नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन्स की जो एमसीक्यूज मैराथन है उसके बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो मोस्टली आपको मिलेंगे आपके आरईओ एग्ज़ाम के। ठीक है, आरईओ के और प्लस आरईओ री एग्ज़ाम के मिलेंगे आपको, प्लस आपको मिलेंगे आरएचईओ के। ठीक है, आरएचईओ के। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं इन एग्ज़ाम से जो जो आए हैं, प्लस इसके साथ मैं आपको थ्योरी डिस्कस करते जाऊंगा ताकि इन एग्जाम इन क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास की चीजें कवर हो जाए। अगर ये क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होगा तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, मेरी गट्स फीलिंग ये आ रही है कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में से आपके एग्जाम में आराम से आएंगे। ठीक है, ज्यादा भी आ सकते हैं बट 3 से 4 मान के चलो, प्लस मैंने 10-12 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा भी लिए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यह दिया है कि इन इंडिया इंडिया के अंदर लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है वो कब शुरू किया गया था। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम जो बच्चा है, भारत में लैब टू लैंड प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। पहली बात, लैब टू लैंड प्रोग्राम होता क्या है, आपको बताया कि जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है ये शुरू किया था किसने, आईसीएआर ने। ठीक है, आईसीएआर ने शुरू किया था, कब शुरू किया था, उसके गोल्डन जुबली ईयर पर, गोल्डन जुबली ईयर पर, गोल्डन जुबली ईयर। अब पहली बात, आईसीआर का गोल्डन जुबली कब होगा, देखो आईसीआर की स्थापना कब हुई, 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई। गोल्डन जुबली कब मनाते हैं, 50 ईयर में, इसके 50 साल कब पूरे हो रहे थे, 1979, कब, जुलाई में। ठीक, तो अब सीधी सी बात है, यहां से आपका आंसर निकल के आ गया कि आईसीआर ने अपने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दिन या सेलिब्रेशन जो ईयर था उसमें जुलाई 1979 में क्या शुरू किया, लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया। आंसर क्या हो जाएगा, सी, लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया। लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम होता क्या है, लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम होता है बच्चा, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है एग्रीकल्चर के अंदर तो उसको कम कॉस्ट पर, कम से कम कॉस्ट पर मार्जिनल स्मॉल और लैंडलेस लेबर को अवेलेबल करवाना। ठीक है, क्या है, मार्जिनल स्मॉल और लैंडलेस, लैंडलेस लेबर। ठीक है, लैंडलेस लेबर को अवेलेबल करवाना, क्यों, क्योंकि भाई जिसके पास पैसा होगा, जो फार्मर बड़े हैं जिनके पास पैसा है वो तो टेक्नोलॉजी को, जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको आराम से परचेस कर सकते, खरीद सकते, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर मतलब ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, कम भूमि है, ऐसे फार्मर जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक की लैंड है उसको हम स्मॉल फार्मर बोलते हैं। और इंडिया के अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इन दोनों को मिलाकर लगभग 86% फार्मर हैं। मतलब 100 फार्मर अगर ले लो आप, 100% जो फार्मर है इंडिया के अंदर उसमें से 85-86% फार्मर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब ये वो फार्मर है जिनके पास टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती या ये टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से, या फिर इनके पास इतनी फार्मिंग नहीं, इतना पैसा नहीं है। तो यहां पर लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया था आईसीआर ने इन किसानों को और इन लैंडलेस लेबरों को कम कॉस्ट पर जो भी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज है, लैब टू लैंड मतलब लैब में कोई भी टेक्नोलॉजी बनेगी, कहीं ना कहीं रिसर्च होगा उसका तब बनेगी, मतलब वो लैब इसलिए बोला गया उसको, और सीधे फार्मर तक पहुंचाना कम कॉस्ट में। ठीक है, ये लैब टू लैंड प्रोग्राम का मेन पर्पस था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस यह था कि कम कॉस्ट में स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस लेबर को टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाना। कब मनाया गया था, गोल्डन जुबली ईयर, तो ये जुलाई 1979, ठीक, आईसीआर के गोल्डन जुबली ईयर 50 साल में मनाते हैं, 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई थी इसलिए 16 जुलाई 1979 को आईसीआर का गोल्डन जुबली। बात यह थी कि यह जो शुरू किया गया था ये फर्स्ट 1 ईयर के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसको शुरू जो किया था 1 ईयर के लिए, लेकिन ये क्या रहा, सक्सेस रहा, है ना, ये क्या रहा, सक्सेस रहा, तो ईयर एक्सटेंड किया इसको। ठीक है, एक्सटेंडेड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर इसको एक्सटेंड करते गए। ठीक है, सक्सेसफुल रहा, अब सीधी पर सक्सेस रहा तो इसको ईयर आफ्टर ईयर एक्सटेंड जो है इसको करते गए। तो ये था लैब टू लैंड प्रोग्राम, क्लियर है कहानी आपकी यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, कई एग्जामों में पूछा गया है फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है, FFP, फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है, पहली चीज तो ये। तो फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम होता क्या पहले समझो, फार्मर फर्स्ट का मतलब है कि किसान पहले, फार्मर फर्स्ट का मतलब सीधा सा मतलब है कि जो भी टेक्नोलॉजी है या जो भी चीजें हैं उनके बीच में क्या होगा, फार्मर और साइंटिस्ट का, ठीक है, फार्मर और साइंटिस्ट का क्या होगा, इंटरफेस, क्या होगा, इंटरफेस होगा।
मतलब कि यहां पर आप बोल सकते हो कि 25% टाइम जो है साइंटिस्ट को देना पड़ेगा ऑन फार्म, ठीक है। 25% टाइम जो है, मतलब जैसे मान लो 4 महीने की फसल है तो 25 मतलब एक महीना, मतलब बीच बीच में कभी भी 25% टाइम जो है वो साइंटिस्ट फार्मर्स के फार्म पर देगा। मतलब कि वहां पर नई टेक्नोलॉजी को वो अप्लाई करवाएगा, मतलब नई टेक्नोलॉजी जो होगी साइंटिस्ट जो डेवलपमेंट हो गई उसको वो वहां पर अप्लाई करवाएगा। अप्लाई करवाने के बाद फार्मर से वापस फीडबैक भी लेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा यहां पर मतलब क्या होगा कि यहां पर एक तो क्या करना, न्यू टेक्नोलॉजी या जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ठीक, उसका एप्लीकेशन प्लस फीडबैक, ये कंपोनेंट यहां पर शामिल होगा। क्या होगा, एक तो नई टेक्नोलॉजी, फिर उसका एप्लीकेशन और फार्मर से फीडबैक लेने का काम करेगा। इसको करेगा कौन, इसको करेगा आईसीएआर के इंस्टीट्यूट करेंगे। कितने, लगभग 93, ठीक है, 93 इंस्टीट्यूट रहेंगे आईसीआर के, प्लस इसमें 8 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज रहेगी, प्लस इसमें 1 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज रहेगी। ये सारे जो है इन्वॉल्व रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, और केवीकेज रहेंगे, ठीक है, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र जो रहेंगे। ये क्या करेंगे, मतलब सीधी सी बात है, साइंटिस्ट कहाँ से मिलेंगे आपको, इंस्टीट्यूट से, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से और केवीके से। तो ये साइंटिस्ट जो है अपना कुछ समय 25% टाइम बोल सकते हो ये फार्मर के फार्म पर देंगे और इन फार्मर्स को टेक्नोलॉजी अप्लाई करवाएंगे, साथ में उनका फीडबैक्स भी लेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को लेंगे और उनका सॉल्यूशंस भी ये देंगे। ये फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम था और ये कब लॉन्च हुआ था बच्चा, ये लॉन्च हुआ था 2016 में, याद रखना कब, 2016 में ये लॉन्च हुआ था। कहां पर, आईसीएआर का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन जो है उमियाम शायद ये मेघालय में, एक बार कंफर्म कर लेना इसको, है ना, रिसर्च सेंटर जो है ये नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन का मेघालय में है, एक बार कंफर्म कर लेना, उमियाम, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, क्लियर है। तो फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम आपसे क्वेश्चन ये 2021 में आरईओ में जो एग्जाम कैंसिल हुई थी उसमें पूछा गया था 2016। अब ये पूछा जा सकता है कि फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम है क्या, याद रखना ये फार्मर साइंटिस्ट के बीच का इंटरफेस है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एफसीआई या एफओ के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा 2016 वाला। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम है क्या, तो याद रखना ये फार्मर और साइंटिस्ट के बीच का इंटरफेस है या इंटरफेस बोल सकते हो, ठीक है। वहां पे ऑप्शन आपको फार्मर टू फार्मर मिल सकता है, ठीक है, साइंटिस्ट टू फार्मर मिल सकता है, फार्मर टू साइंटिस्ट रहेगा, तो फार्मर टू साइंटिस्ट इसका आंसर करेक्ट है, क्लियर है। चलिए नंबर 3 पे बात करते हैं, आत्मा, ये तो काफी फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, है ना, आत्मा वाला हर एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा और अभी तो आत्मा की वैकेंसी भी निकली हुई है अभी के अंदर, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। तो आत्मा का पहली बात, तो फुल फॉर्म क्या होता है, आत्मा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक। कब ये हुआ था, याद रखना ये 2005 में लॉन्च किया गया था इसको एग्रीकल्चर, है ना, आत्मा को। अब तक की बात करें तो ये लगभग 691 डिस्ट्रिक्ट में, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ठीक है, 691 डिस्ट्रिक्ट में, 28 स्टेट में और 5 यूनियन टेरिटरी में ये प्रोग्राम चल रहा है, क्लियर। ये कौन सा प्रोग्राम है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें BTM जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और जो क्या बोलते हैं ATM और BTM निकली है, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर की वैकेंसीज जो निकली हुई है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है, ठीक है, इतने जिले में चल रहा है 2005 में। और बात करते हैं शेयर की, मतलब जो फंडिंग शेयर है ना, फंडिंग की बात करते हैं, इसमें पैसा कौन देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, तो 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, 10% जो कौन देगा, वो स्टेट गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाती है, क्लियर है। चलिए ये आपके आत्मा से रिलेटेड, और इसमें इसको मैं स्कीम वाले पार्ट में और ऐड कर दूंगा डिटेल में, है ना, स्कीम वाले पार्ट में और इसको डिटेल में मैं ऐड कर दूंगा, स्कीम के PDF आपको दूंगा, जहां जहां बीच में जो जो स्कीम आती जाएगी वो मैं पढ़ाते भी जाऊंगा, इसका PDF अलग से मैं दूंगा आपको स्कीम वाले पार्ट में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है TNV सिस्टम की बात करते हैं। TNV सिस्टम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज अ गुड एग्जांपल हो, तो TNV सिस्टम जो है ना बच्चा ये होता क्या है, पहले तो उसको समझो। T का मतलब होता है यहाँ पर ट्रेनिंग, ठीक है, और V का मतलब होता है विजिट, ठीक। अब मान लो
ट्रेनिंग और विजिट करेगा कौन? तो वो करेगा कौन? एक्सटेंशन वर्कर। कौन करेगा? एक्सटेंशन वर्कर जो है वो करेगा, ट्रेनिंग लेगा। किससे ट्रेनिंग लेगा? ये लेगा SMS से। SMS मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, चाहे वो KVK का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी का भी हो। वो क्या लेगा यहाँ पर? नॉलेज। क्या लेगा वो? नॉलेज लेगा, मतलब ट्रेनिंग लेगा एक्सटेंशन वर्कर। अब ये एक्सटेंशन वर्कर क्या करेगा? विजिट करेगा। ये तो हो गया आपका ट्रेनिंग, ठीक। दूसरा है विजिट। विजिट का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन वर्कर है, इसने क्या ले ली? ट्रेनिंग ले ली, नॉलेज ले लिया। अब ये नॉलेज किसको देगा? अब ये नॉलेज किसको देगा? फार्मर को, ठीक है। मतलब ये कैसा अप्रोच हो गया? ये एक्सटेंशन अप्रोच हो गया। क्यों? क्योंकि इसने यहां से एक्सटेंशन का नॉलेज लिया और फिर नॉलेज लेकर किस तक पहुंचाया? किसान तक पहुंचाया। मतलब क्या किया इसने? एक्सटेंशन किया, फैलाव किया। एक्सटेंशन का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेचिंग आउट, मतलब जो आपके पास नॉलेज है उसको दूसरों को देना, उसको फैलाना। तो ये कौन सा अप्रोच है बच्चा? ये एक्सटेंशन अप्रोच है। सीधा क्वेश्चन है ना, आप भी इसका आंसर लगा सकते हो। ये शुरू किसने किया था बच्चा? ये शुरू किया था 1973 में डेनियल बेनोर ने, ठीक है। डेनियल बेनोर ये इजरायली साइंटिस्ट था। ये वर्ल्ड बैंक में एक्सटेंशन कंसल्टिंग का काम करता था। वर्ल्ड बैंक मतलब जो विश्व बैंक है, वहां पर ये प्रसार सलाहकार का एक काम करता था। उसने ये 1973 में TNV सिस्टम बनाया। सबसे पहले ट्राई कहां पर किया गया था बच्चा? तो ये ट्राई किया गया था सहयान, जो भी था यार, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सहयान इरिगेशन प्रोजेक्ट तुर्की। सबसे पहले इसको यहां पर ट्राई किया गया था। कहां पर? सायान इरिगेशन प्रोजेक्ट था, वहां पर इसको पहली बार ट्राई किया गया था, ठीक है। इंडिया के अंदर कब आया मैं लिख देता हूं, इन इंडिया, इंडिया के अंदर इसको 1974 में इंट्रोड्यूस करवाया, और सबसे पहले कहां पर? राजस्थान में, उसके बाद MP में, ठीक है। राजस्थान का केनाल एरिया और MP का चंबल एरिया, वहां पर। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट स्टेट जहां पर इसको TNV सिस्टम को लगाया गया था, वो है राजस्थान, ठीक है। इसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी बोला जाता है। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, याद रखना। कौन सा? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर, ठीक है। इसको रिफॉर्म्ड एक्सटेंशन भी कहा जाता है, ठीक है, रिफॉर्म एक्सटेंशन भी कहा जाता है। सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी देखोगे उसमें सब लिखा हुआ है, सारी चीजें है ना। तो वहां पर लिखा हुआ स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको कि ये एक्सटेंशन अप्रोच है, ठीक है, एक्सटेंशन सर्विस अप्रोच है ये, ठीक है। ये आपको क्या क्या चीजें सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कहाँ पे होते हो? इंसन में आपको एक जगह मिलता है 1973, एक जगह मिलता है 1974। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसे, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि TNV सिस्टम कब डेवलप हुआ या कब बना, तो 1973 लगाना, अगर ऑप्शन में 1973 हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया के अंदर TNV सिस्टम कब लागू हुआ, तो 1974 लगाना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करना है। फिर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन, ठीक है। अब लर्निंग सिचुएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? लर्निंग सिचुएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? तो देखो, अब सीखता कौन है? सीखता कौन है? तो सीखेगा कौन? लर्नर। तो आंसर क्या हो जाएगा? लर्नर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं कैसे यह काम करता है पूरा सिस्टम, ठीक है। चलिए, लर्निंग सिचुएशन की बात कर रहे थे, लर्निंग सिचुएशन को थोड़ा सा यहां पर समझ लो। ये क्यों आएगा वहां पर लर्नर? तो देखो, ये लर्नर, अगर आप कोई टीचिंग मटेरियल और प्लान बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो? लर्नर के लिए। आप सब्जेक्ट मैटर बना रहे हो, मतलब उसका, उसके लिए स्कोप डेवलप कर रहे हो, तो किसके लिए? लर्नर के लिए। फिजिकल फैसिलिटीज इन्वायरमेंट अगर आप तैयार कर रहे हो तो लर्नर के लिए। आप अगर टीचर रख रहे हो या इंस्ट्रक्टर रख रहे हो, किसके लिए? लर्नर के लिए। तो मेन एलिमेंट क्या हो गया लर्निंग प्रोसेस का, लर्निंग सिचुएशन का? वो होगा आपका लर्नर, क्लियर है। और समझ लो, लर्नर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर? तो काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल है वो इसको अफेक्ट कर सकती है, ठीक। जैसे एक आपको तरह पढ़ाने के तरीके, मतलब जैसे कि मैं कोई अगर आपको कहानी सुनाकर पढ़ाए या कविता सुनाकर पढ़ाए तो आसान लगता है ना ये, क्योंकि हमें गाने सुनना आसान अच्छे लगते हैं ना, गाने सुनने अच्छे लगते हैं। और अगर आप कोई लेक्चर सुनो किसी का तो वो बोर लगता है ना, तो वही बात है। तो काइंड ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस टाइप का है, आपको कोई पढ़ा कैसे रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में पढ़ाता हूँ, जितनी भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई ज्यादातर आपको हैंड रिटर्न फॉर्म में पढ़ाई, वो मेरा तरीका है। शायद आपको पसंद आता है तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, तो उसको मैं बोलूंगा इजी टू रिमेंबर या काइंड ऑफ मटेरियल है मेरा, ठीक है। कुछ लोग PPT लेके आते हैं, PPT से पढ़ाते हैं, वो उनका काइंड ऑफ मटेरियल है। तो उससे क्या है, लर्नर इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है ना। किसी को वो चीज पसंद आती, किसी को नहीं आती, किसी को मेरी चीज पढ़ाना पसंद आती, किसी को नहीं आती, वो वाली बात है।
एज जो है लर्नर की वो इफेक्ट करता है, यंग एज में जल्दी चीजें सीख पाते हैं, थोड़ा सा अगर एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो लर्निंग पावर है वो कम होता जाता है। सेक्स ऑफ लर्नर मतलब कि मेल और फीमेल में भी डिफेक्ट आता है कि मेल जो है चीज़ों को जल्दी और फीमेल जो है चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ें समझती है, लेकिन आजकल कॉमन हो गया है। आजकल जितने भी टॉपर्स देखो अगर लड़कियाँ ही मिलेगी, यूपीएससी देखो या एमपीपीएससी देखो, कहीं भी देखो आपको टॉपर लड़कियाँ मिलेगी, है ना। तो ये जो है ना मेल फीमेल वाला, ये भी जो है लर्नर अफेक्ट करता है, ठीक। मोटिवेशन भी इसको अफेक्ट करता है, मोटिवेशन भी चीज क्या करता है, लर्नर को अफेक्ट करता है। सीधी सी बात है, अगर आपको मैं अभी 2 मिनट का अच्छा बेहतरीन भाषण दे दूँ, मोटिवेट कर दूँ, तो आप अभी तैयार हो जाओगे कुछ भी करने के लिए, वो वाली बात है। तो मोटिवेशन अफेक्ट करता है, टीचिंग अफेक्ट करती है ना। टीचिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सिचुएशन विच इज लर्नर टेक प्लेस, मतलब कि टीचर क्या कर रहा है, ये एक सिचुएशन प्रोवाइड करवा रहा है जहाँ पर जो है लर्निंग सिखाई जाती है, ठीक है, जहां पर लर्निंग होती है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक सिचुएशन दे रहा हूं, सिचुएशन चीजें दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हो। तो ये टीचिंग भी क्या कर रही है, अफेक्ट करती है लर्नर्स को। डिपेंड करता है आप किस प्रकार का कंटेंट दे पा रहे हो, किस प्रकार से आपका जो है टीचिंग है। इंटेलिजेंसी, ये सारे जो है आप देख सकते हो, बिनेट एंड सीमन हैव द डेवलप्ड द स्केल कार्ड। अब ये जरूर याद रखना कि बिनेट एंड सीमन जो है एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने क्या किया था, मेंटल एज स्केल डेवलप की थी, मेंटल एज स्कोर मतलब आईक्यू निकालने वाली। तो यहां पर जरूर ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखना, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, आपकी मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज में 100 का गुणा करोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस ही निकल के आ जाएगी। तो इंडिविजुअल हु एबल 70 से कम जिसका आईक्यू है ना, तो उसको मेंटली डिफेक्टिव माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे यहां से, ठीक है। अगर उसका आईक्यू 90 से 190 है तो उसको एवरेज बोला जाएगा, हाँ ठीक है, 190 नहीं होगा वो 110 होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये 110 का लेना, इसको 90 से 110 है उसको एवरेज बोला जाएगा, 110 से 120 के आसपास उसको ब्राइट बोला जाएगा, 120 से 129 से वो सुपीरियर है, 130 139 से तो वेरी सुपीरियर है, 140 से 180 के आसपास से तो वो गिफ्टेड है, और वो बोल सकते 180 वाला वो तो जीनियस से भी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे मेंटल एज भी पूछ सकते हैं कि अगर 70 से कम अगर आईक्यू है उसका तो वो किस टाइप का है, मतलब उसका मेंटली डिफेक्टिव है, एवरेज है, ब्राइट है, सुपीरियर है, जीनियस है, इस तरीके की चीज है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि लर्नर ही क्यों आएगा। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पूछा था, एलिमेंट तो कितने होते हैं, 5। लर्नर होता है, स्टडी मटेरियल होता है, टीचर होता है, एटमोसफियर इन्वायरमेंट होता है ना। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लर्नर, क्योंकि अल्टीमेट ये सारी बाकी सारी चीजें कर किसके लिए कर रहे हो आप, लर्नर के लिए कर रहे हो, उसको सिखाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इज नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन एक्सटेंशन इन इंडिया, इंडियन के केस में भाई एक्सटेंशन के फादर कौन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में जितनी भी आपकी आ रही हुई सब में रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है केएन सिंह, केदारनाथ सिंह जो है इंडियन के कॉन्स्टेक्स में, इंडिया के कॉन्स्टेक्स में जो फादर है एक्सटेंशन के केएन सिंह। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, नॉर्मली फादर पूछे तो आप क्या लिखोगे, जेपी लिगन्स, ठीक है, जेपी लिगन्स नॉर्मली। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फादर कौन है, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फादर कौन है, तो जेम्स स्ट्राउट, जो भी होगी स्पेलिंग, जेम्स स्ट्राउट जो है यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फादर है। डेमोन्स्ट्रेशन के फादर कौन है, सीमेन के नेप को हम बोलते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के फादर देखोगे तो वो कौन है, नेप साहब है, ठीक है, नेप साहब डेमोन्स्ट्रेशन के फादर है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछा हुआ है, तो इससे रिलेटेड जेपी लिगन्स फादर है। सोशियोलॉजी के कौन है, है ना, सोशियोलॉजी के कौन है भैया फादर, वो है अगस्त कामटे साहब जो है सोशियोलॉजी के फादर है। तो इससे रिलेटेड फादर जितने भी है हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये सारा अभी चल रहा है आपका, देख लो ना कितने क्वेश्चन हुए, 10 फरवरी को जो पेपर हुआ था आपका आरईओ का जो कैंसल हुआ था, उसमें अभी तक लगभग 7 क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, 7वां क्वेश्चन चल रहा है। ये यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा जैसे हम अगले शिफ्ट में जाएंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो 10 फरवरी 2021 को हुआ था, जो एग्जाम कैंसिल हुई थी फर्जीवाड़ा के लिए, उसके क्वेश्चन है। अब लिखा है देखो, सीएट SIAET इज वर्किंग एज स्टेट नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब सीधी सी बात, ये कहाँ है, स्टेट बात कर रही, स्टेट नोडल एजेंसी का मध्य प्रदेश है ना। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आया हुआ है कि एक्सटेंशन से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। समझो बात को, इसको थोड़ा सा अब डिटेल में समझो कि कब ये बनी थी, है ना, कब इसको बनाया गया था। ये देखो,
क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग ये आपका है, कौन सा स्टेट, या मैं स्टेट और लगा दूं है ना, तो पुलवामा आपका पूरा हो जाएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग। कहाँ पर है ये, तो बच्चा ये ध्यान रखना है ना, भदभारा रोड भोपाल में है। कब ये बना था, 2006 में इसको बनाया गया था, क्योंकि अभी से इन्होंने पूछा है कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। आपसे ये पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग कब बना, 2006 में, कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक, अब इसका मेन काम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सेटअप किया गया है। इट वॉज इनिशिएट एज स्टेट रिस्पॉन्ड टू एड्रेस वेरियस चैलेंजेस इन डिलीवरी ऑफ सर्विस ऑफ टू द फार्मर। मतलब क्या बोल रहा है कि स्टेट रिस्पॉन्स टू एड्रेस वेरियस चैलेंजेस टू डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द फार्मर्स। तो फार्मर्स को जो सर्विसेज है, फार्मर्स के लिए जो भी सर्विसेज है उनको डिलीवर करना, जो भी चैलेंजेस उनको लगते हैं एग्रीकल्चर्स के अंदर, तो उनको फुलफिल करने के लिए उनके जो जो भी रिस्पॉन्स है, फार्मर के जो फीडबैक हैं उनको सॉल्व करके वापस फार्मर्स को डिलीवर करना, मतलब प्रॉब्लम, फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और वापस उनका सॉल्यूशन फार्मर्स को डिलीवर करना, सीधी सी बात है, ये काम है इसका इसका। तो ये आपसे यहाँ पे यही पूछा जाएगा, पहली बात तो ये इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म क्या है ना, सीआरट का, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग, कब बना, 2006 में, मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, भोपाल के अंदर। चलिए यस, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, घुमाएगा तो आपसे सन पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इन एक्सटेंशन हैज गॉट द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस। विस्तार में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण में प्रभाव की तीव्रता सबसे अधिक होती है। देखो समझना बात को, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, अब मेरे सामने मान लो 50 बच्चे बैठे हैं या 100 बच्चे बैठे हैं, जो भी हैं है ना ऑनलाइन, तो मुझे नहीं पता है 100 बच्चे में से किसको सबसे समझ में आया है, किसको समझ में नहीं आया है। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन क्लास में होता है ना, ये ऑनलाइन है, अगर मैं ऑफलाइन क्लास में होता और आपसे फेस टू फेस बात करता, या किसी पर्टिकुलर एक बच्चे से मिलता, वो बच्चा मेरे पास आता है ऑफिस में और मिलता कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से समझा पाता कि बच्चा इसमें ऐसी ऐसी चीजें हो रही है और ये है। तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, 100 लोगों को समझाना या एक व्यक्ति को समझाना, एक व्यक्ति को समझाना। तो यहां पर जो सबसे इफेक्टिव है ना बच्चा, वो इंडिविजुअल अप्रोच है। क्यों है सबसे ज्यादा इफेक्टिव, क्यों, क्योंकि हम पर्सनली जाकर फार्मर से मिलते हैं और उसकी फील्ड पे पर्सनली जाकर उससे मिलते हैं और पर्सनली उसको समझा पाते हैं कि इसमें आपको ऐसा ऐसा काम करना है, उससे ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप 100 किसानों को बिठा दोगे और उनको समझाओगे, आधे को समझ में नहीं आएगा और आधे को पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है, तो वो इफेक्टिव मेथड नहीं है ना। बोला सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालती है, सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है इंडिविजुअल मेथड। क्यों, क्योंकि हम पर्सनली जाकर वहां पर मिलकर बात करते हैं और जब पर्सनली जब मिलकर बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो है जल्दी निकल पाता है ना, हमें फीडबैक अच्छा मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। बट ये स्लो प्रोसेस है, याद रखना, क्या है ये, इफेक्टिव तो है बट क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि अगर एक एक फार्मर से जाके मिलोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा है ना, ये इफेक्टिव नहीं है। पर ये फास्ट मेथड आप बोल सकते हो, मास वाली, ठीक है, फास्ट मेथड है। ग्रुप मेथड में लगभग 20 से 30 लोग रहते हैं, उनके द्वारा जैसे डिस्कशन हो गया, सिंपोजियम हो गया, पैनल हो गया, तो ये ग्रुप के अंदर आ जाता है। कम्युनिटी अप्रोच क्या हो जाएगा, कम्युनिटी अप्रोच मतलब जैसे कम्युनिटी, अब यहां पर भी जो ये मास वाला और कम्युनिटी वाला बहुत ज्यादा आपको रिलेट करने वाला, अभी मैं बताऊंगा इसको है ना, कम्युनिटी वाला और मास वाला काफी रिलेट करेगा। तो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये यहां पर एक्सटेंशन टीचिंग मेथड की, तो ये इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग है ना, लिखा है ना वेरी इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। क्वांटर वो फीडबैक अवेलेबल इज वेरी हाई, देखो फीडबैक बहुत ही जबरदस्त मिलता है इसमें, लेकिन स्लो प्रोसेस है। क्यों बोला ना, सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी मेथड डालती है, तो वो इंडिविजुअल है। क्यों, क्योंकि फीडबैक बहुत जबरदस्त मिलता है इसमें, बहुत ही ज्यादा फीडबैक मिलता है। अगर आप 100 क्वेश्चन लेके जाओगे फार्मर का क्वेश्चनेयर बना के इंडिविजुअल मिलोगे तो वो सारे के आप आंसर उससे ले लोगे, लेकिन आप फोन पर अगर आप मान लो 100 लोगों बैठे हो वहां से आप उनको फॉर्म दे दोगे तो आधे फॉर्म टिक करेंगे आधे पर नहीं टिक करेंगे, ऐसी वाली बात है। तो इंडिविजुअल मेथड में इसको इंटरपर्सनल मेथड भी बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन या फेस टू फेस मेथड भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा क्वांटम ऑफ फीडबैक इसमें मिलता है, बट स्लो प्रोसेस है। ग्रुप में बात करो 2 से 30 लगभग 25-30 पर्सन का ग्रुप होता है और ये भी फेस टू फेस ही है। क्यों, क्योंकि अगर 10-20 लोग सामने बैठे हैं तो फेस टू फेस ही कम्युनिकेशन वहां पर होता है, बट सामने जो है ज्यादा लोग होते हैं और जो ट्रेनर होता है एक ही होता है। मास और कम्युनिटी, देखो बात आ गई ना, मास और कम्युनिटी कॉन्टेक्ट, मास को ही कम्युनिटी बोल देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आंसर कम्युनिटी लिया जाता है, कुछ केसेस में मास लिया जाता है। अब देखो एक साथ कई सारे लोगों को आप अवेयर कर सकते हो नई टेक्नोलॉजी से, तो आपको मास मेथड यूज करनी पड़ेगी।
अब कुछ चीजें इसमें समझ लो, इंडिविजुअल है, ग्रुप है और मास है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब इंडिविजुअल के अंदर देखो, ये इंडिविजुअल है ना, ये इंडिविजुअल है सारी, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या क्या आएगा? फार्म विजिट करो, पर्सनल कॉन्टेक्ट करो, पर्सनल लेटर लिखो, टेलीफोन कॉल करो आप, ऑफिस कॉल करो आप, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन काई में आएगा, याद रखना रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन जो है पर्सनल में ही आएगा, ठीक है। रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन फार्मर्स के फील्ड पर होता है और इंडिविजुअल ही होता है, ऐसा थोड़ी ना वहाँ 50 फार्मर, एक फार्मर को ही वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन की फार्मर के वहाँ डेमोस्ट्रेशन किया जाता है। आपका आ जाएगा ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के अंदर सिंपोजियम, ये पूछा गया कि सिंपोजियम में कितने लोग रहते हैं, तो 2 से 5 स्पीकर रहते हैं सिंपोजियम के अंदर, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आगे क्वेश्चन आएगा। पैनल में कितने रहते हैं? 2 से 8 रहते हैं। डिस्कशन हो गया, लेटर हो गया, टूर हो गया, मेथड डेमोस्ट्रेशन, देखो मेथड डेमोस्ट्रेशन ग्रुप में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी को ट्रैक्टर चलाना सीखना है, तो जैसे कंपनी आती है ना, ट्रैक्टर वाली कंपनियां किसानों को बुलाती है, फिर बोलती है कि इस ट्रैक्टर में आपको ये जो नया जो है रोटावेटर है, इसको ऐसे चलाना है, या फिर जो नया ट्रैक्टर है इसमें ये फंक्शन है, इसको ऐसे चलाना है, तो 100-200 किसानों को बुलाकर डेमोस्ट्रेशन किया जाता है वहां पर, ठीक है। मीटिंग है, रोल प्ले है, पपेट शो है, शाइड है, पीई आपका हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट स्कूल हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, सेमिनार हो गया, ट्रेनिंग हो गया, फ्लैश कार्ड, याद रखना ये जो आपका फ्लैश कार्ड है ना, ये फ्लैश कार्ड है, ये ग्रुप में आता है, ठीक है, याद रखना फ्लैश कार्ड जो है वो ग्रुप में आता है। फिर आप मास में जाओगे तो बुलेटिन, लीफलेट, बुक, फोल्डर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, एग्जीबिशन, टेलीविजन, रेडियो, सर्कुलर लेटर, फेयर हो गया, पोस्टर हो गया, सिनेमा, मूवी और ड्रामा। अब इनमें आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, बुलेटिन में कितने पेज होते हैं, लीफलेट में कितने होते हैं, न्यूज़पेपर में कितने होते हैं, मैगजीन में कितने होते हैं, सारा आपको आगे मिल जाएगा। और ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा कि किसमें कितने पेजेस होते हैं, क्या होता है, पोस्टर क्या होता है, साइज कितनी होती है, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है, अलग से नोट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर समझ में आ गया कि इंडिविजुअल मेथड जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक। सेकेंड है, निम्नलिखित में कौन सा जनसंचार की विधि, अब पूछा है कि मास कम्युनिकेशन मेथड कौन सी है। अब देखो मास कम्युनिकेशन मेथड कौन सी है, फार्म विजिट है, नहीं है, ग्रुप डिस्कशन है, नहीं है, डेमोस्ट्रेशन है, नहीं है। तो जनसंचार मेथड क्या है, अभी हमने देखा वहां पे क्या था, न्यूज़पेपर क्या था, मास कम्युनिकेशन मेथड था। तो साथ ही साथ हम थ्योरी भी कंप्लीट करते जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चंस अभी तक वही चल रहे, 9 क्वेश्चन हो गए हैं क्या, आ रही हो फर्स्ट शिफ्ट में, ये फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट चल रही है अभी, 10 तारीख को, 10 फरवरी को पहला जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुई थी उसमें 9 क्वेश्चन आ चुके अभी तक एक्सटेंशन के, ठीक है। अब ये चेंज हो गई, ये शिफ्ट 2 आ गई है ना, कलर चेंज हो गया, मतलब ये है अब शिफ्ट 2, जो री एग्जाम हुई थी उसकी शिफ्ट 2 शुरू हो गई, मतलब 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक्सटेंशन अपने आप में अच्छा खासा वेटेज रखता है बच्चा, है ना, इसको छोड़ना नहीं है। और जो चीज नहीं पढ़ाई गई है वो भी मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा और उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की जो है प्राथमिक संस्था कौन सी होती है। अब सोसाइटी में क्या होती है, सोसाइटी में क्या रहती है, सोसाइटी बनता किससे है, सोसाइटी बनता है वहां पर किससे बनता है, सोसाइटी फैमिली से बनता है ना, एक कोई फैमिली रह रही, 2 फैमिली रह रही, 3 फैमिली है ना, ये भाई एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, ऐसे कॉलोनी बन जाएगी, है ना, ऐसे फैमिली। तो सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट है ना, सोसाइटी की जो प्राथमिक संस्था या प्राथमिक इकाई है वो है फैमिली, है ना, क्यों, क्योंकि फैमिली से बनेगी सोसाइटी और सोसाइटी से बनेगा गाँव, फिर गाँव से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है ना, ओ सॉरी, ठीक है, बेसिक यूनिट क्या है सोसाइटी की, तो बच्चा वो है फैमिली, है ना, बेसिक यूनिट क्या है सोसाइटी की, तो वो है फैमिली। अब सोसाइटी कहाँ पर आएगा, सोशियोलॉजी वाले पार्ट में आएगा, किसमें, सोशियोलॉजी वाले पार्ट में आएगा बच्चा, और मैं सोशियोलॉजी आपको इसके नोट्स अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा और टाइम मिलेगा तो इसका लेक्चर भी दे दूंगा और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा सकता हूँ, समझिए ये सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी जो है वो इस वर्ड को दिया किसने, अगस्त कांटे, यही क्या है, फादर भी है सोशियोलॉजी के, याद रखना यही क्या है, फादर है सोशियोलॉजी के, और इन्होंने ये सोशियोलॉजी शब्द दिया है। सोशियोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, सोशियस लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कंपेनियन, मतलब कि एक साथ रहना, लोगस मतलब है उसकी स्टडी करना या उसका अध्ययन करना, ठीक है। तो सोशियोलॉजी सोशियस से लिया गया, लैटिन वर्ड सोशियस लिया गया जिसका मतलब होता है कंपेनियन, मतलब कि एक साथ, टूगेदर, एक साथ रहना, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हम क्या है, हम एक सोशल एनिमल बोल सकते हैं, है ना, हम क्या है, एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है, क्यों, क्योंकि हम समाज के अंदर रहते हैं, है ना, हम समाज के अंदर रहते हैं, मतलब हम एक सामाजिक प्राणी, एक समाज के अंदर रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम समाज से बाहर हैं, अलग है, नहीं। तो मेन क्या होता है, आदमी जो होता है, व्यक्ति जो होता है वो सोशल एनिमल होता है, कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वो अलगाव में नहीं रह सकता, अलग से नहीं रह सकता, वो सोसाइटी में रहता है, इसलिए सोशल एनिमल है, ठीक है।
सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, क्या है ये? सोसाइटी का अध्ययन करना सोशियोलॉजी कहलाता है, वही ग्रीक वर्ड सोशियस जिसका मतलब होता है कंपेनियन होता है। रूरल सोशियोलॉजी फर्स्ट टाइम जो इसकी स्टडी कहाँ यूएसए में हुई थी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, है ना। रूरल सोशियोलॉजी क्या हो जाएगा? अब सीधी सी बात है, यहाँ पर सोशियोलॉजी के आगे रूरल जुड़ गया है। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, बोल सकते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रिलेशन टू रूरल पीपल। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रिलेशन टू रूरल पीपल, गांव के लोगों के सापेक्ष, गांव के लोगों के संबंध में सोसाइटी का अध्ययन, ठीक है, वो हो जाएगा रूरल सोशियोलॉजी। अब इसका रूरल सोशियोलॉजी का एम क्या है? इंप्रूविंग द वेलफेयर ऑफ पीपल टू सॉल्व वेरियस पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, वेरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब रूरल सोशियोलॉजी का मेन पर्पस क्या है, एम क्या है? भाई लोगों का वेलफेयर करना, लोगों को क्या करना, उसका कल्याण करना, कैसे करना, उनकी जो प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। ये सारी चीजें अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं यहाँ पर, ठीक है। टीचिंग सोशियोलॉजी, अब सोशियोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में कब पढ़ाया जाना शुरू हुआ, तो याद रखना इसको 1876 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया। अब मैक्स वेबर ने अलग डेफिनेशन लिखी, चिदंबर ने अलग लिखी है ना, गिलिन एंड गिलिन ने अलग डेफिनेशन दी। रूरल सोशियोलॉजी साइंस ऑफ स्टडी ह्यूमन रिलेशन विद रूरल सिचुएशन, वही है रूरल सिचुएशन में सोशियोलॉजी का अध्ययन करना रूरल सोशियोलॉजी होता है। आर डी देसाई ने अपनी अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है। फिर यहां पर क्या बोला गया है, सोसाइटी इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ पीपल इज मोर आर लेस परमानेंट एसोसिएशन। वही बात है, सोशियोलॉजी क्या है कि यहां पर परमानेंट एसोसिएशन रहता है, लोग कम या ज्यादा आपस में मिलकर रहते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में रहते हैं और एक साथ कलेक्टिव एक्टिविटीज रहती है। जैसे गोकुलधाम सोसाइटी क्या है, वहां पर सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग, गोकुलधाम सोसाइटी तारक मेहता उल्टा संचार, सभी धर्म के लोग एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में रहते हैं, सेलिब्रेशन एक साथ कलेक्टिव करते हैं, वो कलेक्टिव एक्टिविटीज वहां पर होती है, तो वो एक सोसाइटी हो गई, है ना। एम क्या है, तो एग्रीकल्चर इज मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रूरल पीपल। अब गांव के लोगों की जो है वो मेन इकोनॉमिक क्या होती है, एग्रीकल्चर। गांव के लोग जो है मेनली किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर, ठीक है, समझते जाना चीजों को एक एक पॉइंट। कास्ट इज डोमिनेटेड इन स्टूडेंट विलेज, अब विलेज में जो होता है कास्ट काफी डोमिनेंट होती है ना, कास्ट जो है ना, जातियां, जाति जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेट होती है विलेज में, रूरल में। इसीलिए तो रूरल सोशियोलॉजी को अलग से पढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से हम ऊपर उठ सके, इन कास्टिज्म से, जातिवाद से हम ऊपर उठ सके। तो आप देखा रूरल पीपल मोस्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, गांव में आप देखोगा कास्ट काफी ज्यादा डोमिनेंट है ना, बड़े बड़े जो लोग रहते हैं वो छोटे लोगों को हमेशा दबा कर रखते हैं या नीचे जाति के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। गांव में अभी भी ये चीजें चलती है ना, अपने घर में नहीं आने देते, जूते खोल के अगर सांप ऊपर बैठे तो वो नीचे बैठेंगे, इस तरीके की चीजें होती है। और अभी आपने केस भी सुना होगा सीधी का, है ना, कुछ घटना हुई है पेशाब वाली, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर आता है रिलीजियस एंड कास्ट कंपोजिशन इन विलेज इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टर। अब जो रिलीजियस और कास्ट, ये दोनों, ये वही बात हो गई, कास्ट और रिलीजियस, जो धर्म है और जो जाति है, दोनों का जो कंपोजिशन आपको विलेज में काफी ज्यादा दिखेगा बाय द कैरेक्टर, जो उसके लोगों के पहनावे से, रहन सहन से, उनसे ही आपको उनकी कास्ट और रिलीजियस का वहां पर आप उनको डिटरमाइन कर सकते हो, निर्धारित कर सकते हो, तो ये वहां दिखेगा। विलेज जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, हर एक विलेज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होता है ना, हर विलेज की अलग से पंचायत होती है, सब कुछ वहां पर सिस्टम अलग चलता है ना, सबके पास अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, अथॉरिटी होती है, जैसे पंचायत वगैरह, सबका अपना अलग अलग सेटअप होता है, ठीक है। अब विलेज सेटलमेंट गवर्न बाय द सर्टेन ट्रेडिशन, अब गवर्नमेंट चलता कैसे, जो विलेज है ना, विलेज चलता कैसे, वहां के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, है ना, गांव में बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस होते हैं, मतलब ट्रेडिशन मतलब जो रीति रिवाज है वो काफी ज्यादा फॉलो होते हैं, तो उसे ये चलता है, ठीक है। अब इनकी जो बेसिक यूनिट होती है, देखो द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल सोशियोलॉजी इज फैमिली, जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फैमिली होती है। रूरल सोशियोलॉजी को तो सेल्फ सफिशियंट होती है, ठीक, जो भी उनको चाहिए होता है वो सेल्फ सफिशियंट, मतलब होता है कि ट्राई टू प्रोड्यूस मच इट्स रिक्वायर्ड गुड्स, ठीक है, जितना उनको चाहिए उससे ज्यादा ही वो क्या करती है, चीजों को प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज द बेसिक एक्टिविटी ऑफ रूरल एग्रीगेट्स, रूरल ग्रुप्स। तो ये समझ जाना, ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, है ना, ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। तो विलेज सोशियोलॉजी है क्या, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं, आप देखोगे विलेज में, रूरल में कास्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट्स होते हैं विलेज, फैमिली इनकी बेसिक यूनिट होती है और फैमिली से मिलकर ही सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से मिलकर ही गांव या फिर आप बोल सकते हो शहर बनते हैं, क्लियर है। तो आप समझ गए कि यहां पर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का क्या होगा, फैमिली होगी, विलेज नहीं लगाना है क्योंकि सोसाइटी से मिलकर विलेज होता है, लेकिन सोसाइटी ने पूछा है सोसाइटी किससे बनी है, फैमिली से बनी है, ठीक है। चलिए द प्रोग्राम रिलेटेड विथ ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, रूरल यूथ से रिलेटेड प्रोग्राम कौन सा, बच्चा आप अच्छे से जानते हो, ट्राइसिम जो है, ट्राइसिम जो है इस रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली बात है यहाँ पर, है ना, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये कब आया था बच्चा? ये आया था 1979 में। किस ग्रुप, एज ग्रुप के लिए? ये था एज ग्रुप 18 से लेके 35 साल के लिए। 18 से लेके 35 साल के जो यंग है, युवा है, उनको क्या करना? एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना उनके लिए। उसके लिए प्रोग्राम आया था ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1979 में आया, कि जो एज ग्रुप के लिए 18 से 35 जो एज ग्रुप के जो यंग है उनके लिए ये प्रोग्राम था, ठीक है। अब जो डे एन आर एल एम, मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बच्चा ये दीनदयाल, ये पूरा नाम जो क्या है इसका, मैं लिख रहा हूं, दीन दयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये क्या है बच्चा? ये है, ये 2011 में चलाया गया था, 2011 में इसको शुरू किया गया था। किसकी जगह हम इसको बोल सकते हैं रीस्ट्रक्चर या रिकंस्ट्रक्टेड बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं जो एस जी एस वाई था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कब आया था 1999 में, इसकी जगह ये प्रोग्राम चलाया गया, इसको बंद करके ये प्रोग्राम चलाया गया, कौन सा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम, ये चलाया गया 2011 में। अब इसका दीनदयाल उपाध्याय आगे नाम कब जोड़ा गया, याद रखना, ये नाम जोड़ा गया 2015 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। नेशनल लाइवलीहुड मिशन जो है, पहले इतना सा है ना, ये इतना ही था, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 में चली थी, उसकी जगह 2011 में इन्होंने नाम बदल कर क्या कर दिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया, ठीक है। 2015 में मोदी सरकार आने के बाद आगे लगा दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक। काम क्या करता है, तो वही हो गया पॉवर्टी इरेडिकेशन, भाई जो काम एस जी एस वाई का था वही था, गरीबी रेखा को दूर करना, यही जो इसका काम था एस जी एस वाई का, है ना, पॉवर्टी इरिगेशन, रूरल पीपल को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम इनका, ये इसका काम भी यही था। डी ए डी पी को मैं आगे, डी पी डी ए को मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे आएगा ये, है ना, आगे आपको बताऊंगा। ये क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। क्या है डी वाला ऑप्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2015 में शुरू हुई थी, ठीक, ये समझ लो। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी की बात करो तो उसमें नंबर वन है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करो, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करो तो फर्स्ट नंबर पर है यूपी इसमें, और सेकेंड नंबर पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, आवास योजना के अंदर बनाने में, इतने ज्यादा मकान इन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा यूपी फिर एमपी। समझ में आ गए सारी चीज, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में बना एसजीएसवाई की जगह, 2015 में इसका नाम बदलकर और क्या कर दिया, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया। काम क्या है, पॉवर्टी एलिकेशन, मतलब गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लेना, या गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको क्या करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना। जो काम एसजीएसवाई का था वही काम इसका भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोगे तो वो सीधी सी बात है गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, क्लियर है। ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, मैं आपको अलग से एक नोट्स दूंगा, है ना, एक्स्ट्रा नोट्स, जितने अभी नोट्स दिए एक्सटेंशन के पूरे, उसके अलावा आपको प्रोग्राम वाले नोट्स देना हिंदी में और इंग्लिश में तो दे चुका हूं, उसके साथ ये नोट्स आपको अलग से दूंगा, ये कुछ स्कीम्स रहेगी इसके अंदर, और साथ में आपको रूरल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी वाला पार्ट दूंगा जिसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, और एक्सप्लेन तो मैं यहां पे कर भी रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो एग्जाम में आई हुई और आपको पढ़ाई नहीं गई, ऐसा कभी नहीं होगा। वो जो नहीं पढ़ाई वो मैं आज एक आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है आरईओ की, जो कैंसिल हुई थी एग्जाम उसमें। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय हियरिंग, लर्निंग बाय सीइंग और लर्निंग बाय रीडिंग। तो ये सब आप जानते हो, लर्निंग बाय डूइंग इसका प्रिंसिपल है। किसने दिया था ये, जॉन डेवी ने दिया था, है ना, जॉन डेवी ने कब, 1966 में। लर्निंग बाय डूइंग ये वर्ड किसने दिया था, ये जॉन डेवी ने, जो भी है जॉन डेवी ने दिया था 1966 में, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे ये ट्राइसेम बता दिया किस एज ग्रुप के लिए था, ये दीनदयाल उपाध्याय भी मैं लेके आया हूँ, आपको नोट दे दिए जाएंगे, है ना, बता दूंगा क्या है ये, ठीक है। ये लर्निंग बाय डूइंग ऑब्जेक्टिव समझो, मैंने बताया लर्निंग बाय डूइंग जो है हमारा क्या है, मेन लर्निंग बाय डूइंग जो है मेन
प्रिंसिपल है, ये किसने दिया, जॉन डेवी ने 1966 में दिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ओवरऑल डेवलपमेंट, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का, कि ओवरऑल लोगों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। इंडिया देयर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव इन एग्रीकल्चर, डिसिमिनेशन ऑफ यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी आपके पास काम की और जो भी आपके पास प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको फैलाना, डिसिमिनेट मतलब फैलाना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूजफुल नॉलेज, आपके पास जो भी काम का नॉलेज है ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल में लगाओ, ठीक है, काम करके देखो, वही जो नॉलेज है उसको करके देखो, वही तो हो गया लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो आपके पास सीखा हुआ है उसको करके देखो, टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल पीपल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करना, या जो भी एस्पेक्ट है उनको इम्प्रूव करना, ये था उसका, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल की बात होगी, और जो 10 प्रिंसिपल्स दिए थे मेन, 10 प्रिंसिपल कौन कौन से थे, सबसे मेन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, ये मेन प्रिंसिपल है। अगर आप लोगों के बीच में इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं कर रहे हो तो क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे। तो पहले आपका जो प्रोग्राम होना चाहिए वो उनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, भाई उनको इस चीज की जरूरत है तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, तभी तो वो इंटरेस्ट लेंगे, है ना। कल्चरल डिफरेंस बेस्ड होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अडोप्टेबिलिटी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होना चाहिए, ग्रास रूट प्रिंसिपल होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप प्रिंसिपल्स होना चाहिए, होल फैमिली प्रिंसिपल होना चाहिए। ये सारा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया थ्योरी के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चलो ये हो गया आपका, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर फूड कैंपेन कब आया था। देखो ग्रामर फूड कैंपेन की बात करें ना बच्चा, ये 1942 में आया था, ठीक, 1942 में, लेकिन ये हो गया था फेल, तो बंद कर दिया गया था, ठीक। इसको फिर से कब चालू किया था, इसको फिर से जब कॉल किया था 1947 48 में इसको चालू किया गया था फिर से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1948, ग्रामर फूड कैंपेन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1942 में इसको शुरू कर दिया गया था लेकिन फेल हो गया था, बंद कर दिया था इसको, 1947 में फिर से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। ग्रामर फूड कैंपेन की आप देख सकते हो यहाँ पे, ये स्टार्टेड बाय रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है, 1942 में शुरू किया गया था, रीस्टार्ट किया गया था 1947-48 में, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये किसको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। SGSY इज ए प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ, तो SGSY मतलब होता है क्या पहले, तो ये होता है अपना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, क्या होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना, ठीक है, ग्राम स्वरोजगार योजना। अब देखो इस आप फुल फॉर्म में भी आप देखो क्या लिखा है, स्वरोजगार योजना, इसी से आपको समझ में आ जाता है कि यह जो योजना है किसके बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, तो स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए योजना शुरू की गई थी। ये योजना शुरू कब की गई थी बच्चा, ये योजना शुरू की गई थी 1999 में, ठीक है, 1999 में इसको शुरू किया गया था, और इसके पीछे रीजन क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से होगा क्या कि जो प्रॉवर्टी है ना, प्रॉवर्टी इरेडिकेशन होगा, क्या होगा, प्रॉवर्टी इरेडिकेशन होगा, मतलब प्रॉवर्टी इरेडिकेशन का मतलब है गरीबी को, जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो बीपीएल कार्ड फैमिलीज है इनको अबाव प्रॉवर्टी लाइन लेके आना, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना इसका उद्देश्य था, ठीक है, मतलब कुल मिला के भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना। तो इन्होंने सिलेक्ट किया था कि 3 साल के अंदर लगभग 30% जो फैमिलीज है इनको हम अबाव दी प्रॉवर्टी लाइन लेके आएंगे, ग्राम पंचायत का इसमें मेनली रोल था, है ना, और बैंक्स का भी रोल था, और कुछ 10,000 के आसपास ये उनमें अर्निंग का कुछ सिस्टम इन्होंने रखा था। यहाँ पे आप देखोगे, मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की कुछ बेसिक जो है चीजें आपको, हालांकि मैंने ये आपको सारा जो है प्रोग्राम वाले वीडियोस में पढ़ा दिया है, बट फिर भी ये जो रिविजन क्लास है तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो इसी का नाम बदल के जो हमारी ग्राम स्वरोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, इसी का नाम बदलकर 2011 में क्या कर दिया गया था, इसी का नाम बदलकर कर दिया गया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया था, ठीक है। ये योजना का भाई, ये देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट लिखा हुआ क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मेरे नोट्स ये देख सकते हो आप कि ऐसे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बने हुए हैं। 3 इयर्स टाइम में इन्होंने क्या किया था, कवर 30% ऑफ बीपीएल फैमिली इन ईच ब्लॉक में लगभग 30% फैमिली को इन्होंने सिलेक्ट किया था, ठीक है। ग्रुप अप्रोच पर ये फोकस करते हैं, ठीक,
प्लस इसमें क्या था, ग्राम पंचायत का मेजर रोल था, है ना, ये ग्राम पंचायत मॉनिटरिंग भी करेगी और ग्राम सभा जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर जो स्वरोजगार की जो लिस्ट है, फैमिलीज की जो लिस्ट है, उनको वो उसी उसी बेसिस पर वो सिलेक्ट करेंगे। उसमें से एक होलिस्टिक प्रोग्राम है ये, ठीक है। सम ऑफ 10,000 अर्न मार्क यहाँ पर रखा गया है इन्होंने, और बैंक रोल जो है इंटीग्रल टू ऑल एस्पेक्ट, इसमें बैंक रोल्स भी इन्वॉल्व था, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें सोच किसमें थी, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और इसी का नाम बदलकर 2011 में क्या कर दिया था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया था, ठीक है। और 2015 में और नाम बदलकर मोदी सरकार में क्या कर दिया था, DAY, डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया था, क्लियर है। जल्दी नेक्स्ट की बात करते हैं। नार्थ क्या, NARS, नेशनल एग्रीकल्चर रिव्यू सिस्टम, क्या है फुल फॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चर रिव्यू सिस्टम, ये सिंपल है। इसके अंदर जैसे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट चलते हैं, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सारे किसके अंदर में आते हैं, तो इसी नार्थ के अंदर में आते हैं, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सारा इसी के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पीपल पार्टिसिपेट इन द एक्सटेंशन प्रोग्राम इन सिग्निफिकेंट वेन, मतलब किसी विस्तार कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी तब महत्वपूर्ण हो जाती है, जब, कब महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या लोकल लीडर पार्टिसिपेट कर लेंगे, जैसे गांव का कोई नेता नगरी है वो अगर मान लो पार्टिसिपेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंशन प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या ग्राम पंचायत के मेंबर, ग्राम पंचायत के कितने मेंबर होते हैं, 5-10 मेंबर होते हैं, क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे तो सक्सेस हो जाएगा, नहीं। फिर अगर मान लो बात करें कि जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं वो शामिल हो जाएंगे तो सक्सेस हो जाएगा, नहीं। गांव के अधिकांश लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो एक्सटेंशन प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, ये हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, गांव के मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये हमने जो एक्सटेंशन के प्रिंसिपल है उसके अंदर डिस्कस किया था। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अब सिंपल सा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था, तो 2005 में आया था। इसका मेन पर्पज क्या था कि जो भी गरीब लोग है, जो वर्नेबल रोग है, उनके लिए जो है स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना, ठीक है। ये एग्रीकल्चर के से रिलेटेड तो नहीं है बट आपको पढ़ना है। फिर ये था कि किसान आंदोलन के जनक और किसान सभा के संस्थापक कौन है ना, हु इज द फादर ऑफ फार्मर मूवमेंट एंड ऑल्सो ए फाउंडर ऑफ किसान सभा, तो इनमें से दिया गया, इनमें से कौन से, ये क्वेश्चन आपका आरईओ जो पहली बार हुआ था 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें जो किसान आंदोलन के फादर कहे जाते हैं वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। इन्होंने ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन, ये किसान मूवमेंट है, ये कहाँ से शुरू किया था, ये शुरू हुआ था बिहार से, याद रखना, ये बिहार से शुरू हुआ था 1929 में, ठीक है। किसने शुरू किया था, तो इन्होंने ही शुरू किया था, क्लियर है, इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझ लीजिए, ये किसान सभा मूवमेंट स्टार्ट कहां से हुआ था, बिहार से, ठीक है, बिहार से शुरू हुआ था, किसके लीडरशिप में, तो यही स्वामी सजानंद सरस्वती के लीडरशिप में 1929 में। उस समय इनका नाम, इस संस्था का नाम क्या था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इसका नाम था, ठीक। इसके पीछे मेन रीजन क्या था, जमींदारी, जमींदारी जो प्रथा थी उस समय उसको खत्म करने के लिए किसान आंदोलन किया गया था, ठीक है। जमींदारी का बहुत बड़ा रोल था उस समय, मतलब एक तरह से किसानों पे अत्याचार वो लोग करते थे, जमींदार लोग, तो उसको खत्म करने के लिए ये आंदोलन इन्होंने चलाया गया था। ये आंदोलन धीरे धीरे जो है पूरे इंडिया में फैल गया, ठीक है, पूरे इंडिया में फैल गया, बिहार से अब पूरे इंडिया में फैल गया। तो अब इस आंदोलन को और बड़ा बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ सेशन में, ऑल इंडिया किसान सभा का इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया लखनऊ में, और कब, 1936, अप्रैल 1936 वाले सेशन में, और स्वामी सजानंद सरस्वती उसके क्या थे, पहले प्रेसिडेंट थे। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया किसान सभा जो लखनऊ का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो रखी थी सभा, उसके अंदर 1936 में ये ऑल इंडिया किसान आंदोलन बनाया गया, और उसमें जो पहले प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही बनाया गया, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। ये देखो ऑल इंडिया किसान सभा जो है कब, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में ये थी, मतलब बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। ये कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें ये बनाई गई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जनरल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजन है, प्रेसिडेंट आर जो है वेंके है, और एफिलेशन जो है इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, ठीक है। पूरी डिटेल दे दी, अगर क्वेश्चन बनता भी है इससे रिलेटेड, अगर और भी कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो सारा आपसे बन जाएगा। बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टर, पोस्टर से आप क्या समझते हैं,
ऑडियो विजुअल है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एट दैट स्टिक ऑन द वॉल आर बोर्ड, या प्रोजेक्टेड विजुअल एट, या ऑडियो विजुअल। देखो पोस्टर क्या होता है, पोस्टर जो होता है ना इस तरीके का, आप बोल सकते हो 50x75 इंच का आप बोल सकते हो, ठीक है, 50x75 कैसे 50 से 75 इंच का रहता है, ठीक है। ये जो होता है एबीसी फॉर्मेट होता है, एबीसी अट्रैक्टिव ब्रीफ और क्लियर, एबीसी अट्रैक्टिव ब्रीफ और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो है पोस्टर जो है वो लेस वर्ड क्या होना चाहिए, लेस वर्ड और मोर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब फोटो अच्छा दिखना चाहिए, वर्ड कम होने चाहिए, जो लिखा हुआ है कम होना चाहिए और फोटो बहुत शानदार होना चाहिए, तो उसको हम पोस्टर बोलते हैं। और इसको हम ऑब्वियसली बात है इसको हम रखेंगे, ये सुनाई तो देता नहीं, दिखाई देता मान सकते हैं, प्रोजेक्टेड विजुअल भी नहीं है, ऑडियो विजुअल भी नहीं है, ये है क्या, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एट डेट स्टिक ऑन द वॉल या बोर्ड, तो इसको हम स्टिक या बोर्ड पर वॉल कर सकते हैं। आपने देखा होगा रास्ते पर जाते हो बड़े बड़े से हमें पोस्टर्स दिखाई देते हैं, वहां पर लिखा हुआ कम रहता है पर फोटो बहुत शानदार अट्रैक्टिव दिखाई देता है, तो 50x75 का आइडियल साइज मानी जाती है इसकी। एबीसी फॉर्मेट होना चाहिए, एबीसी मतलब होता है अट्रैक्टिव ब्रीफ और क्लियर, ठीक है, लेस वर्ड और मोर अट्रैक्ट जो है अट्रैक्टिव ये होते हैं। अगर आप देखोगे यहां पर, चलिए वो तो शायद ऊपर आ गया होगा, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। पोस्टर के बारे में और भी सारी चीजें आपको मैं एक लिस्ट दूंगा, उसके अंदर पोस्टर क्या है, फ्लैश कार्ड क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ग्रुप क्या है, सारा आपको मिल जाएगा, जो मैंने शायद वीडियो के दौरान बोला था पढ़ाते समय, थोड़ी पढ़ाते समय कि उसको मैं अलग से करवाऊंगा, वो सारा आपको मिल जाएगा। तो पोस्टर के बारे में चीजें क्लियर है, पोस्टर क्या है, एक नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है जिसको हम दीवार पे या वॉल पे हम बोर्ड पे लगाते हैं, एबीसी होना चाहिए, लेस वर्ड होना चाहिए, मोर अट्रेक्टिव होना चाहिए, 50x75 का उसका साइज होना चाहिए, ठीक है। द टर्म एक्सचेंज एजुकेशन वॉज कॉइन बाइट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग भी होता है और यहां से चेंज हो गई, ये आपका आया था जब री एग्जाम हुई थी, ठीक है, ये आरईओ की जो री एग्जाम हुई थी ये यहां से 11 दिसंबर को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक्सटेंशन वर्ड सबसे पहले जो है यूके में, मतलब हम बोल सकते हैं ब्रिटेन में, जो है ब्रिटेन में सबसे पहले यूज हुआ था ये, ठीक है, ब्रिटेन में, यूके में सबसे पहले हुआ था 1866 के आसपास, क्लियर है, यूएसए नहीं लगाना है। द पर्सन कंसिडर फादर ऑफ एक्सटेंशन, ये दोबारा से रिपीट हुआ, देखो फिर से आया क्वेश्चन, पहले भी पूछा गया है आरईओ की पहले वाली एग्जाम में और री एग्जाम में भी पूछा गया है, कौन, केएन सिंह, केदारनाथ सिंह जो है इसके फादर है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन एक्सटेंशन एजेंट इज कंसिडर टू बी, एक्सटेंशन एजेंट को निम्नलिखित में क्या माना जाता है, एक्सटेंशन एजेंट क्या होता है, पर्सनल कॉस्मोपोलाइट होता है, इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट होता है, पर्सनल लोकलाइट होता है या इम्पर्सनल लोकलाइट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूं पहले, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए, ये क्या है, ये आप किसके अंदर आता है थोड़ा सा समझिए, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में भी क्लासिफाई इनटू नंबर ऑफ वे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है, चैनल को कम्युनिकेशन के चैनल को क्लासिफाई किए गए अकॉर्डिंग टू फॉर्म, फॉर्म के अकॉर्डिंग स्पोकन है और रिटन है, ये आप जानते हो स्पोकन और रिटन क्या हो गया, स्पोकन मतलब आप बोल सकते हो टेलीफोन कॉल्स हो गया, मीटिंग्स ऑफ ऑल काइंड, रेडियो टॉक्स हो गई, ठीक है, रेडियो टॉक्स भी स्पोकन, रिटन में पर्सनल लेटर आ जाएगा, फॉर्म पब्लिकेशन आ जाएगा, न्यूज़पेपर आ जाएगा, ये क्लियर है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल इन्वॉल्व, ठीक है, ठीक है, पर्सनल इन्वॉल्व, तो अब पर्सनल लोकेलाइट, पर्सनल लोकेलाइट, पर्सनल कॉस्मोपोलाइट और पर्सनल इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट, यही से क्वेश्चन था, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल लोकेलाइट का मतलब क्या है, दे आर लोकल लीडर, जो पर्सनल लोकेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, लोकल लीडर होते हैं एंड लोकल पीपल होते हैं, हु बिलोंग टू रिसीवर, जो रिसीवर ऑन सोशल सिस्टम, मतलब खुद के सोशल सिस्टम के अंदर वो एज ए रिसीवर बिलोंग करते हैं और वहां के या तो लोकल लीडर होते हैं या लोकल लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्सनल लोकेलाइट, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है उसकी हम बाद में बात करेंगे। पर्सनल लोकेलाइट चैनल आर इंपोर्टेंट इन ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम, जो ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है हमारा उसमें इनका इंपोर्टेंस रहता है पर्सनल लोकेलाइट का, जो लोकल लीडर होते हैं लोकल पीपल होते हैं वो बिलोंग करते हैं रिसीवर्स में, मतलब लेने वाले होते हैं, ठीक है, और सोशल सिस्टम के अंदर। पर्सनल कॉस्मोपोलाइट का मतलब समझना, दे आर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम आउटसाइड दिस सोशल सिस्टम, यह ध्यान रखना, ये सोशल सिस्टम से बाहर होते हैं, आउटसाइड दिस सोशल सिस्टम होते हैं ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का जो सोशल सिस्टम होता है उससे बाहर होते हैं। दे आर एक्सटेंशन वर्कर, आगे आपको मिल गया यहां से आंसर, दे आर एक्सटेंशन वर्कर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड आर इंपोर्टेंट इन चेंजिंग द फार्मर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। यहां पर क्या है, वही लोकल लीडर है, पर्सनल लोकलाइट में लोकल पीपल है जो रिसीवर होते हैं, सोशल सिस्टम के अंडर रहते हैं और ये ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहां पर क्या आ गया, यहां पर ये सोशल सिस्टम के बाहर होते हैं, ये क्या करते हैं एक्सटेंशन वर्कर होते हैं और ये क्या करते हैं लोगों को ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ लेके आते हैं, मतलब स्पेशली फार्मर को ट्रेडिशनल से मॉडर्न, ट्रेडिशनल फार्मिंग से मॉडर्न फार्मिंग की तरफ लेके आते हैं। आपका आंसर यहां से आपको मिल गया होगा। इम्पर्सनल क्या होते हैं, ये भी आउटसाइड द सोशल सिस्टम होते हैं, ठीक,
एंड सेम टाइम नो पर्सनल फेस टू फेस कॉन्टेक्ट इज इन्वॉल्व। अब यहां पर कोई पर्सनल या फेस टू फेस कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। दीज आर मास मीडिया, ये क्या हो सकते हैं, मास मीडिया हो सकती है, विच आर इंपॉर्टेंट इन एरिया और हाई अर्बन इन्फ्लुएंस फार्मर हु आर मॉडर्न आर चेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। अब देखो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पर्सनल मतलब कि यहां पर एक्सटेंशन वर्कर है जो फेस टू फेस जाके लोगों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, और इम्पर्सनल में आ गया, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है। यहां पर क्या है, ये फेस टू फेस नहीं मिलते, मास मीडिया, चाहे आप रेडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे टीवी में साइंटिस्ट लोग देते हैं ना किसानों को इंफॉर्मेशन की सोयाबीन बोने से पहले क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो आपको यहां से आपका आंसर जो है मिल गया होगा, ठीक है, यहां से आपको आंसर मिल गया हो। क्या आंसर है, पर्सनल कॉस्मोपोलाइट पूछा है कि एक्सटेंशन एजेंट क्या होता है, तो वो पर्सनल कॉस्मोपोलाइट होता है ना, पर्सनल कॉस्मोपोलाइट होता है। क्यों, क्योंकि ये आउटसाइड द सोशल सिस्टम होता है, फिर ये एक्सटेंशन वर्कर होता है और जो फार्मर को ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ ले जाता है। इम्पर्सनल में क्या होता है, ये भी आउटसाइड द सोशल सिस्टम होता है बट ये फेस टू फेस कनेक्ट नहीं होता है, याद रखना, ये फेस टू फेस कनेक्ट नहीं होता है, ये मास मीडिया होता है, मतलब एक तरह से मीडिया होता है, मीडिया के थ्रू जो है इसमें कम्युनिकेशन होता है। पर्सनल लोकलाइट आप समझ गए और इन पर्सनल लोकलाइट दोनों चीजें, ठीक है, लोकलाइट जो है लोकल लीडर वगैरह उसमें आ गया, इन पर्सनलाइट में हो जाएगा कि वही सिस्टम विदाउट फेस टू फेस। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर दोबारा रिपीट होगा तो आपसे सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे इसके, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी आपको थ्योरी समझा दी है। ब्लू प्रिंट एक्शन ऑफ प्लान, अब मान लो किसी चीज का ब्लू प्रिंट बनाते हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप एक प्लान बना रहे हो, समझ में आ रहा है, ब्लू प्रिंट बनाने का मतलब क्या है, प्लान तैयार करना। जैसे आप 11th 12th पढ़ते हो, एक गाइड आती है उसमें आगे पहले ब्लूप्रिंट रहता है, ब्लूप्रिंट मतलब कि आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, यही आपका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना है पढ़ने का। तो ब्लूप्रिंट अपने आप में क्या होता है, एक प्लान होता है, ठीक है, क्या होता है, प्लान होता है, ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं है। ब्लूप्रिंट आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन सक्सेस इन मेजर इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ टेक अप ऑफ द रिकमेंडेशन एंड इंक्रीज द नेशनल प्रोडक्शन, मतलब विस्तार दृष्टिकोण जिसमें सफलता को सिफारिशों को अपनाने की दर और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में मापा जा सकता है। अब यहां बात क्या कर रहा है, एक्सटेंशन अप्रोच की बात कर रहा है। तो एक्सटेंशन अप्रोच में कौन सा अप्रोच है जहां से हम जो है नेशनल प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इसमें सिंपल सा समझ में आ रहा है कि जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, क्योंकि बात किसकी की गई है, बात की गई है नेशनल प्रोडक्शन की, इंक्रीज नेशनल प्रोडक्शन, और नेशनल प्रोडक्शन कहां से आएगा, तो वो आएगा एग्रीकल्चर से, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसको आप इजीली लगा सकते थे, इसमें कुछ भी नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इसको करना था। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम नंबर ऑफ फ्लैशकार्ड, ऑप्टिमम नंबर ऑफ फ्लैशकार्ड, ठीक है, फ्लैशकार्ड क्या होता है, सारा नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक, चाहो तो आपको दिखा देता हूं कि पूरा फ्लैशकार्ड होता क्या है, सब कुछ नीचे मेंशन है, आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप आराम से वहां से उसको अच्छे से पढ़ लेना, सारी जो टाइप उसमें यहाँ पर मेंशन किया मैंने, पोस्टर क्या है, फ्लैश कार्ड क्या है ना, ये यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा, क्लियर है, फ्लैश कार्ड है, पोस्टर है, सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन मैंने किया हुआ है नोट्स के अंदर, ठीक है, जो शायद आपको जो नोट शेयर किए थे उसके साथ नहीं था ये, तो उसमें इसको मैंने अलग से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, आपको अलग से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद लास्ट में होगा वो, तो वहां पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं उसको, ठीक है, इसके लास्ट में होगा, ये रहा, ठीक है, इसके लास्ट में ये सारा आ जाएगा, डिस्कशन, एग्जीबिशन क्या है, कैंपेन क्या है, फील्ड टूर क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, रेडियो क्या है, टेलीविजन क्या है, ठीक है, लीफलेट क्या है, पंपलेट क्या है, फोल्डर क्या है, कितनी कितनी साइज होनी चाहिए, है ना, बुलेटिन में कितनी साइज, कितने पेज होने चाहिए, बुकलेट में कितने पेज होने चाहिए, पोस्टर देखो 50x75 सेंटीमीटर अभी पढ़ाया मैंने, 50x75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, ये रहा आपका फ्लैश कार्ड, ठीक है, फ्लैश कार्ड क्या होता है, 30x45 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, फ्लैश कार्ड 30x45 ये सेंटीमीटर है, और कहाँ चला जाओगे आप, क्या होना चाहिए, फ्लैश कार्ड इज ए साइज अप्रोक्सीमेटली 30x45, दीज आर द अरेंज इन द सिक्वेंस ऑफ टेली स्टोरी मोर अट्रेक्टिव वे अलोंग द कैप्चरिंग द फीलिंग ऑफ इमोशन ऑफ पीपल, ये होता आपका, तो ये सारा मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, तो इस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्टिमम कितने होने चाहिए नंबर ऑफ कार्ड्स, 10 से 12 होना चाहिए, ठीक है, 10 से 12 कार्ड्स ऑप्टिमम होना चाहिए, क्लियर है, चलिए। सर्वोदया स्कीम वाज स्टार्टेड बाय, सर्वोदया स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई थी बच्चा, ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, इनको जो है मैग्सेसे, पहला मैग्सेसे अवार्ड मिला, याद रखना कि पहला मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है, तो पहला मैग्सेसे अवार्ड जो है इन्हीं को मिला है, किसको, विनोबा भावे को।
इनके जो है कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको भी हमें समझना है कि इनका और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ना। इन्होंने सर्वोदया स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने, तो इन्होंने 1950, 1951 और 1952, ठीक है, तीन काम इन्होंने किए थे लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स में, उनको हमें थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। हालांकि मैंने जब पढ़ाया होगा आपको थ्योरी में तो वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस की थी, यहाँ पर एक बार और थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो एक्सटेंशन पूरी तरीके से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, कहीं भी कोई चीज आपकी छूटेगी नहीं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके आसपास की सारी चीज हम कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखो, सर्वोदय, सर्वोदया फ्रॉम बॉम्बे 1950 में शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने, फिर भूदान आंदोलन उन्होंने 1951 में शुरू किया था, और ग्राम धन आंदोलन जो है 1952 में शुरू किया गया था, ठीक है। सारी चीज में एक वन बाय वन सिक्वेंस में आपके साथ थ्योरी फॉर्मूले में भी लेके आया हूँ ताकि कोई क्वेश्चन इसके अलावा क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं कि ये रिपीट होंगे, इसके आसपास पूछा जा सकता है तो आपसे बने, ठीक है। चलिए, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है, जो ग्राम सेवक होता है वही ग्राम पंचायत का क्या होता है, सेक्रेटरी होता है, क्लियर है। जो ग्राम सेवक, अब ग्राम सेवक अपन लोग नहीं, जो आरईओ वाले, जो ग्राम का सेवक होता है उसी को बनाया जाता है क्या, सचिव, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ग्राम पंचायत वाला मामला। पंचायती राज सिस्टम आपको पता है कब आया था, 1958 में, जिसको हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। लीडरशिप कौन थे, तो यह बलवंत राय मेहता साहब ने इसको लीड किया था, इन्हीं की कमेटी थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारी चीज हुई थी, ठीक है। डेमोक्रेटिक वर्ड क्या होता है, रूल ऑफ पीपल, ये सब आपको पता है ना, इसको देखने नहीं, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए काम करना, ये था इनका नारा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पंचायती राज फर्स्ट जो शुरू हुआ था वो नागौर, नागपुर नहीं है ये, है ना, नागपुर नहीं है, गलत है ये, नागौर है ना, नागौर डिस्ट्रिक्ट, सुधार लेना इसको, अगर वहां नोट्स में आपके पास ऐसा है तो इसको नागौर कर लेना। पहला नागौर में था, फिर आंध्र प्रदेश 1959, स्टेट ऑफ मद्रास ट्राइड दिस पायलट प्रोजेक्ट अर्लियर 1957, 1957 में मद्रास ने इसको ट्राई कर लिया था, लेकिन ऑफिशियली जो है आपको नागौर मिलेगा सबसे पहला पंचायती राज लागू करने वाला, ठीक है। राजस्थान इज पियोनियर बिंग होल स्टेट अंडर द डेमोक्रेटिक डिसेंटर, देखो राजस्थान सबसे पहला इसको लागू करने वाला, 2 अक्टूबर 1959। जनरल बॉडी ऑफ विलेज पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा होती है, इंटायर इलेक्टोरियल पंचायत कॉन्स्टिट्यूट ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा होती है। थ्री टायर सिस्टम होता है, पूछा जाएगा, ठीक है, थ्री टायर सिस्टम क्या होता है पंचायती राज में, थ्री टायर सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका क्या होता है, जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर आपका क्या होता है, पंचायत यूनियन या पंचायत समिति बोल सकते हो, और ग्राम लेवल पर क्या, विलेज लेवल पर क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। ये पूछा भी गया है कि तीनों सिक्वेंस में बताओ, और कौन सा अमेंडमेंट में आया था, ये शायद 74th वाला अमेंडमेंट था 1993 में पंचायती राज का, ठीक है, पंचायती राज का 74वां संविधान संशोधन था 1993 में, उसके तहत जो है ये सब सिस्टम आया था, ठीक है। तो ग्राम सेवकों का इसका आंसर, डीआरडीए इज लोकेटेड, अब पहले तो डीआरडीए समझ लो हो क्या, ठीक है, वहां पे आया था ना आगे डीआरडीए, देखो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, डीआरडीए मतलब डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके, है ना। वॉज इंट्रोड्यूस इन, कब ये अस्तित्व में आया, 1 अप्रैल 1999 के आसपास ये अस्तित्व में आया, इन विच सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ डीआरडीए आर फंडेड ऑन 75-25 बेसिस, मतलब कि इसमें जो सैलरी है और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है, प्रशासनिक खर्चा, वो 75-25 में जो है डिवाइड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी 75% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 25% देगी फंड, किसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो 1 अप्रैल 1999 में बनी उसके अंदर जो शेयर रहेगा, फंडिंग रहेगी 75-25 की रहेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। 2008-09 की बात है, फंडिंग पैटर्न जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो हमारे जो उत्तरी बोल सकते हैं पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, जैसे मेघालय या जो सिक्किम वगैरह ये जो राज्य है उनके लिए फंडिंग पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है, बाकी राज्य के लिए यही रहेगा, पर जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनके लिए जो 75-25 से क्या कर दिया, 90-10 कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट 90 देगी, स्टेट गवर्नमेंट 10 देगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए फंडिंग चेंज हो गई थी 2008 में। यूनियन टेरिटरी सेंट्रल प्रोविजन, अब यूनियन टेरिटरी जहां पर है वहां पर 100% फंडिंग कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। डीआरडीओ इज ट्रेडिशनल हैज बीन प्रिंसिपल ऑर्गन डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है ये, नाम ही लिखा है डिस्ट्रिक्ट रूरल, टू ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, जो गरीबी प्रोग्राम है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम मतलब जो गरीबी को हटाने वाला प्रोग्राम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, एंटी पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी को हटाने वाला प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी,
किस लेवल पर काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कहाँ पर काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्या है फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी 1999 में बनी, शेयर कितना रहेगा 75-25 का रहेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90-10 का रहेगा, ये सारी चीज यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी। अब अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चलिए और भी इसमें कुछ है, हाँ वो देख लेना, इसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट भी है इसके अंदर, डीआरडीओ 1900 जो भी सारी चीजें, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू नेम ऑफ विलेज लेवल वर्कर, विलेज लेवल वर्कर का नया नाम क्या कर दिया था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इसका नया नाम कर दिया गया था। ठीक, चलिए, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, मैंने बता चुका हूं सबसे पहले कहां इंट्रोड्यूस किया गया था, 1974 में राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, राजस्थान पहला स्टेट था, दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक, एज सेक्स और कॉस्ट इंडिकेट क्या करता है, भैया आप भी हो, आपकी उम्र, एज जो है, आपका सेक्स और आपकी कॉस्ट क्या इंडिकेट करती है, एक सोशल स्टेटस, आपका स्टेटस शो करती है ना, कि आपकी उम्र क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, आप का जो है कास्ट क्या है, आपकी सोशलिज्म बताता है, आपका सोशल स्टेटस बताता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सोशल स्टेटस। ये सोशियोलॉजी का नोट्स मैं आपको अलग से देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर से, यहाँ पे 11-12 वाला चल रहा है ना अपना, आरएचओ वाला प्रोग्राम चल रहा है, द थर्ड टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज में थर्ड टायर पे क्या आता है, ग्राम पंचायत आती है, अभी पढ़ा हमने है ना, ग्राम पंचायत आती है, ये फर्स्ट पे आता है, ये सेकंड पे आता है, जिला परिषद, पंचायत समिति, और ये आ जाएगा थर्ड पे अपना, ग्राम पंचायत। ठीक है, अभी जस्ट डिस्कस किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें से कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन सी नहीं है, इनकोडिंग करते हैं मैसेज भेजने से पहले, देखो एस एम सी आर, ये बेसिक एलिमेंट है, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो मैसेज सेंडर अगर मैसेज भेजेगा तो वो क्या करेगा, इनकोड कर, जो डिकोड करके भेजेगा, ऐसा हो सकता है ना, ये सेंडर डिकोड करेगा मैसेज को, ठीक, फिर वो चैनल के थ्रू जाएगा, यहाँ पे इनकोडिंग होगी और यहाँ रिसीवर के पास पहुंचेगा। ठीक है, तीन और तीन छह, ये किसके हैं, बर्लो के, बर्लो का जो मॉडल था है ना, वो यही था, सेंडर, डिकोडिंग, मैसेज, चैनल, इनकोडिंग और रिसीवर। मैसेज को पहले डिकोड करेगा ताकि रास्ते में कोई पढ़ नहीं पाए, और रिसीवर के पास पहुंचने से पहले इनकोडिंग हो जाएगी, तो इनकोडिंग तो है, सोर्स मतलब वही सेंटर और सोर्स एक ही है, ट्रांजिशन मतलब संचरण मतलब चैनल की बात कर ली यहाँ पे है ना, टर्म चेंज कर लिया, तो क्या नहीं आएगा, मीटिंग। बैठक जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इनकोडिंग आता है, सोर्स आता है, ट्रांसमिशन मतलब कि चैनल, ट्रांसमिशन को यहाँ पे चैनल, चैनल को ट्रांसमिशन बोला गया है, तो मीटिंग नहीं आएगी, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मीटिंग। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते थे जो आपको मॉडल पता था, ये बर्लो का मॉडल है, सोर्स, सेंडर, डिकोडिंग, मैसेज, चैनल, इनकोडिंग और रिसीवर, छह एलिमेंट थे बर्लो के, इसमें 1960 में उसने दिया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बॉटम अप प्लानिंग, देखो बॉटम अप प्लानिंग आप जाओगे ना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका आंसर है फार्मिंग सिस्टम अप्रोच। मैंने जो आपको वन लाइनर नोट्स दिए, वन लाइनर या फिर जो भी मैंने नोट्स दिए उसमें नीचे वन लाइनर भी है, वहां पर एज इट इज लाइन लिखी हुई है कि बॉटम अप प्लानिंग इज ए या फार्मिंग सिस्टम अप्रोच इज ए बॉटम अप प्लानिंग, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, फार्मिंग सिस्टम इज ए बॉटम अप प्लानिंग। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, बॉटम अप प्लानिंग है। अब बॉटम अप का मतलब समझो, टॉप डाउन अप्रोच मतलब मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, ये टॉप डाउन है, और बॉटम अप, बॉटम से ऊपर की तरफ जाना है, ये स्पेसिफिक टू जनरल है। देखो बॉटम अप प्लानिंग क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक तरफ, मतलब कि यहां पर क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कहां जाते हो, साइंटिस्ट या फिर केवीके के पास या फार्मर्स को, जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कौन करता है, स्पेसिफिक मतलब कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है वो लोग सोल्व करते हैं, तो आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, तो ये फार्मिंग सिस्टम क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हो। ठीक, अब यहां से चेंज हो गया, ये आरएचओ आ गया आपका। ठीक है, अभी देखो 34 क्वेश्चन आए थे आरईओ में, पहले एग्जाम हुई थी उसमें, फिर री एग्जाम हुई थी उसमें आए थे कितने। ठीक है, केस स्टडी का क्या मतलब है बच्चा, केस स्टडी आपने अक्सर यूट्यूब पर सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अलग अलग केस स्टडीज बताते हैं है ना, अलग अलग लोगों की, किसी के बिजनेसमैन की केस स्टडीज बताते हैं है ना, किसी जो है अपना पुराने जो अपने जो वीर लोग हैं या कोई किसी भी के बारे में उसकी पूरी केस स्टडी, की इसने कैसे काम किया, कैसे सफलता हासिल की है ना, अगर कोई कंपनी फेल हो गई तो उसकी केस स्टडी बताते हैं कि कैसे वो कंपनी फेल हो गई। तो केस स्टडी का मतलब क्या है, केस स्टडी का मतलब क्या, मूल्यांकन करना है, नहीं, क्या प्रॉब्लम सोल्व करना है, नहीं,
क्या मेथड ऑफ कलेक्ट डाटा कलेक्ट करना है? नहीं, केस स्टडी का मतलब है मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ सोशल यूनिट, मतलब सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की विधि है। मतलब कि किसी के बारे में या किसी चीज मेथड को एक्सप्लोर करना या उसकी लाइफ, लाइफ ऑफ सोशल यूनिट बोला गया ना, उसको एनालाइज करना पूरा कि कोई कोई काम जो है कैसे हुआ था, क्या वो सक्सेसफुल रहा था, क्या वो क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आई थी, ये सारा पता करना केस स्टडी है। केस स्टडी का सीधा सा मतलब है यार, कोई काम आपने, किसी ने कोई काम किया आप भी करना चाहते हो तो पहले उसकी स्टडी करोगे, केस स्टडी करोगे कि कैसे कैसे उसने चीजों को किया है तब जाके वो सक्सेसफुल रहा है, उसको बोलते हैं केस स्टडी, सीधी सी बात। ठीक है, तो आप किसी को स्टडी कैसे करोगे, एनालाइज करोगे ना, मेथड एक्सप्लोर करोगे उस चीज को, एनालाइज करोगे उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को कि कब उसने काम शुरू किया था, कहाँ से रॉ मटेरियल लाया था, कैसे क्या मशीनरी यूज करी, क्या किस वजह से वो फेल रहा, किस वजह से सक्सेसफुल रहा, दैट इज केस स्टडी। ये सब जनरल क्वेश्चन है बच्चा, इसमें कोई थ्योरी तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए कोडिफाइड सिस्टम ऑफ मोर्स इज जनरली कॉल्ड, मतलब कि जो रीति रिवाज है, आमतौर पर जो रीति रिवाज है, एक संहिताबद्ध प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो जो बच्चा जो ये लिखा ना मोर्स, मोर्स मतलब हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, ये लॉ होते हैं, कानून होते हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, लॉ, या हम बोल सकते हैं नियम होते हैं या कानून होते हैं, नियम भी बोल सकते हो कानून की जगह, नियम होते हैं। मतलब क्या, ऐसा हमें जनरली कुछ चीजें जनरली सिखाई जाती है। देखो एक होता है फोकवे, है ना, एक होता है फोकवे, एक होता है मोर्स, ठीक है, एक होता है रिचुअल्स, है ना, ये चीजें, ये क्या है, है ना, इनके नोट्स भी मैं आपको दूंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया तो आगे भी आ सकता है ना, ये सोशियोलॉजी का ही पार्ट है। फोकवे का मतलब होता है, फोकवे का मतलब होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर, क्या होता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर का क्या मतलब है कि आपके यहां कोई आता है, ठीक है, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि यार भाई ये सूज उतार कर अंदर आए, सॉक्स उतार कर अंदर आए, मुंह धोकर हाथ धोकर खाना खाए, ये हम इसको बोलते हैं फोकवे, है ना, इसको बोलते क्या, फोकवे, मतलब कि ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होता है ना, कि कपड़े पहन के मार्केट में जाओ, अच्छे ढंग के कपड़े पहनो, है ना, सूज जो है घर में सूज उतार कर अंदर आओ, सूज को अच्छे से रैक में रखो, ये एक्सपेक्टेड होता है, हम किसी पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई भी आए तो इस तरीके से बिहेव करे, वो होता है फोकवे। जो मोर्स है या मोर्स है जो भी है प्रोनाउंसिएशन इसका, ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, बिहेवियर होता है, ये भी होता है बिहेवियर, बट ये परमानेंट हम बोल सकते हैं, है ना, ये परमानेंट टाइप का, जैसे परमानेंट टाइप का कैसे, कि जनगण मन मतलब हमारा राष्ट्रीय गान चल रहा है तो हमें खड़े होना है, ये क्या है, ये परमानेंट मोर्स, मतलब एक तरह से नियम है कि जैसे राष्ट्रगान बजा हमें खड़े होना है, है ना, इस तरीके से जो नियम कानून है इसको बोलते हैं मोर्स, समझ में आ गया, इसको मोर्स बोलते हैं, कि जो जनगण बना तो हमें खड़े होना चाहिए, है ना, ये कुछ चीजें जो फिक्स है जो बना रखी वो वाली बात है। रिचुअल्स में क्या आ जाता है, रिचुअल्स में आते हैं रीति रिवाज, जैसे मान लो दिवाली है ना, दिवाली है तो क्या करना है, क्रैकर्स पटाखे फोड़ना है, ये हमारे रिचुअल्स हो गए, रीति रिवाज, ये भी एक तरह का बिहेवियर है। दिवाली आई तो फटाके फोड़ना है, होली आई तो रंग लगाना है, ये होता है फोकवे मोर्सन लॉज। तो मोर्स क्या है, वो परमानेंट टाइप का बिहेवियर होता है, एक नियम होता है, जैसे ही मान लो जनगण बजा हम सीधे खड़े हो गए, तो ये किसके अंदर आता है, लॉ के अंदर, कस्टम नहीं है ये, वैल्यूज नहीं है ये, नॉर्म्स नहीं है। वैल्यूज क्या होती है, देखो ठीक है, वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूज का मतलब होता है बच्चा, इसको हम मान बोलो या मूल्य हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में, मूल्य, इसका मतलब होता है डिसीजन लेना कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, समझ में आ रहा बात को, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप पहले डिसाइड करोगे कि भाई ये चीज अच्छी है ये चीज बुरी है, किस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए किस को नहीं करना चाहिए, यह आता वैल्यूज के अंदर। और नाम्स क्या होता है, नाम्स सिमिलर तो होता है वैल्यू के, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वन बाय वन मैं सबको यहां पर आपको समझा देता हूं कि क्या है यहां पर, ठीक है, सारे नोट्स दूंगा मैं, कल्चर क्या है, कल्चर का पार्ट्स क्या है, ये सब आपको मिलेगा। मैं सीधे आता हूं अभी आपका जो चल रहा है, ठीक है, ये कस्टम क्या है, कस्टम इज सोशली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच आर ट्रांसमिटेड बाय द ट्रेडिशन। कस्टम एक प्रकार का क्या होता है, जो हमारा परंपरा है जो रीति रिवाज है उससे ट्रांसमिट होकर हमारे बिहेवियर में आता है, उसको हम बोल देते हैं कस्टम, है ना, कि भैया हमारे पिताजी और दादाजी जो है ये काम करते आ रहे थे, वही काम हम कर रहे थे, हमें रीजन नहीं पता है क्यों, क्योंकि बस वो करते आ रहे थे, हमारा कस्टम है, उसको बोलते हैं हम क्या, कस्टम। फोकवे मैंने क्या बताया, एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ बिहेवियर,
नॉट रिजिडली इन्फोर्स, मतलब यहाँ पर कोई जबरदस्ती करवाने वाली बात नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि भाई आप ये कर सकते हो, आप आए हो तो जूते उतार कर अंदर आओ, ठीक है। वही चीज देखिए, गुड मैनर इसके अंदर आता है, इंटरिंग होम ओनली आफ्टर रिमूवल, घर के अंदर तभी इंटर करो जब शूज उतारो, ठीक है। लेडी टचिंग आई एंड फीट हर मदर इन लॉ, ये सारी चीजें, राजपूत वेयरिंग टर्बन, ठीक, जो टर्बन पहनते हैं, है ना। ग्रीटिंग अदर्स विद द फोल्डर हैंड्स, ठीक है, किसी को ग्रेटिट्यूड करना है या ग्रीटिंग करना है तो फोल्डेड हैंड के साथ। ये मोर्स क्या होता है, मैंने वही बोला, लेटिन वर्ड्स मोर से लिया गया है, कस्टम आर पैटर्न बिहेवियर विच इज रिगार्डेड बाय द मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम वाइटल एंड एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। वेलफेयर ऑफ किसी ग्रुप, वेलफेयर की यहाँ पर कल्याण की बात होती है, वेलफेयर की बात होती है, तो सीधा समझो ऐसा, सल्यूट ऑफ द नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा उसको सल्यूट करना, स्टैंडिंग ड्यूरिंग द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम, जैसे हमारा राष्ट्रगान बना हमें खड़ा होना, तो ये क्या करे एक तरह के, ये राइट्स ऑफ वेलफेयर ग्रुप्स हम बोल सकते हैं, ये क्या है एक तरीके के रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, वो लॉ वाला फंडा यहाँ पर काम करेगा। टेबूज क्या होते हैं, टेबूज जो होते हैं दो तरीके, देखो मोर जो होता है ना वो पॉजिटिव सेंस में होता है ना, पॉजिटिव सेंस में होता है, जैसे नेशनल एंथम बता हम खड़े पोछे। टेबूज जो होते हैं, टेबूज जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव मतलब क्या है, नेबड्यूज का मतलब यही है, एक तरीके का बिहेवियर ही है, बट इसका एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हो, जैसे कि हिंदुओं में बोला जाता है कि आपको मांस खाना मना है, ठीक है, हिंदू में मांस खाना मना, मुस्लिम में पोर्क पोर्क खाना मना है, ये इस तरीके के टेबूज हैं, परंपराएं हैं जो चली आ रही है, इसको टेबूज बोलते हैं। रिचुअल्स क्या होगा, ये देखो रिचुअल्स क्या है, एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे दिवाली है, क्रैकर्स के साथ खेलना है ना, दिवाली में फटाके जलाना, सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे का करना, ये सारी चीजें इसमें आती है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चा, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं, तो ये इसका जो अगर कोडिफाइड सिस्टम बोले मोर्स का, तो क्या आएगा, लॉ आएगा, कानून आएगा, नियम आएगा, ठीक है। बाकी चार चीज और एक्सप्लेन की और नोट्स में आपको दे दूंगा, अगर इसके अलावा क्वेश्चन आता है तो आपसे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, अब इनमें से कौन सा जो है कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, संचार का एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। मैंने अभी बुलाया, क्या बोला अभी को, SMCR, ये हो गया आपका सेंडर, ठीक है, ये क्या है सेंडर, ये आपका मैसेज, ये आपका चैनल और ये आपका रिसीवर, ये आपके क्या है मेन एलिमेंट है। अब इसमें कौन सा नहीं दिख रहा आपको, नॉइस, नॉइस इसमें एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। IADP क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलप प्रोग्राम जो 60-61 में आया, ठीक है, 1960-61 में आया ये, लेकिन किस मंथ में आया, मंथ इन्होंने पूछ लिया, याद रखना ये आया था खरीफ में, ठीक है, खरीफ में आया था, मतलब ये आया था जुलाई में, क्लियर है, कब आया था ये, जुलाई में आया था, इसलिए मैंने बोला कि मंथ भी आपको याद रखना है, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज एंड नाम्स भी मैंने अलग रखा है। IADP कहाँ गया, मे बी मैंने इसको रखा है कि नहीं, इसको पैकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं, बता देता हूँ, IADP को क्या बोला जाता है, पैकेज प्रोग्राम भी बोला जाता है, मैंने मेंशन किया है शायद, नीचे नहीं मेंशन किया तो मैंने शायद क्लास में पढ़ाया है आपको, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये IADP क्या है, ये तो याद रखना है, एक प्रकार का पैकेज प्रोग्राम है, यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। खरीफ 1960 में मतलब जुलाई में इसको लॉन्च किया गया है, वहां पे आंसर आपका ये हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, स्मॉल ब्रिंग वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए ये प्रोग्राम आया था, बस इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, अब नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया था, 2 अक्टूबर 1953 में, ठीक है, कब, 1952 में क्या था अपना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद आया था अपना नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 2 अक्टूबर के बाद, ये लो, ठीक है, 2 अक्टूबर के बाद जो है 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953 को इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अब जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इंटेंसिव डेवलपमेंट ब्लॉक आर रिक्वायर्ड ऑल फिट, बट द स्कीम ऑफ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज प्रोवाइडेड एसेंशियल बेसिक स्टाफ, अब देखो वहां क्या था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वहां पर वो सभी फील्ड में, और वहां पर क्या था अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, प्रोजेक्ट्स के अंदर 300 गांव थे, इस तरीके का सिस्टम था। यहाँ पर क्या था, लिमिटेड फंड था, एक तो फाइनेंशियल जो मेन पावर जो था, रिसोर्सेज था, वो लिमिटेड था, और यहाँ पर जो असेंशियल बेसिक स्टाफ और स्मॉल फंड फॉर पीपल स्टार्ट डेवलपमेंट वर्क असेंशियल फॉर द बेसिक ऑफ सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प के लिए कम लोग थे। फिर यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर मेनली मेंशन की गई थी क्या, कि यहाँ पर 100 विलेज थे, एक आप देखोगे इसमें 60,000 से 70,000 लोग थे, 100 विलेज में 60 से 70,000 लोग थे किसमें, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में, ठीक।
जो ब्लॉक था उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर इन्होंने कन्वर्ट किया था, बस इतना आपको मेंशन याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। मेनली तो यही पूछा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता तो ये उसमें भी है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वहां नहीं जाना, बस ये, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल ओरिएंटेशन इज एक्सटर्नल टू द पर्टिकुलर सोशल सिस्टम, किसी व्यक्ति का विन्यास किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था के बाहर किस हद तक हो सकता है। देखो यहां पर क्या बोला गया है समझना, यहां पर क्या बोला गया है, एक्सटर्नल की बात की गई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि आउट ऑफ सोशल सिस्टम, आउट ऑफ सोशल सिस्टम कौन काम करता है, आउट ऑफ सोशल सिस्टम कौन काम करता है। अभी अपन ने पढ़ा था लोकल तो होता नहीं है, है ना। लोकलाइट्स क्या होता है, वो सोशल सिस्टम के अंदर रहता है। अभी पिछले एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। लोकल लाइट जो बोल सकते हैं, लोकलाइटनेस जो होता है वो तो सोशल सिस्टम के अंदर रहता है। डिस्ट्रक्शन जो है वो भी सोशल सिस्टम के अंदर ही होता है ना। और जो एटीट्यूड होता है, नजरिया होता है, वो भी आपको सोशल सिस्टम के अंदर ही मिलेगा। एक्सटेंशन वर्कर जो होता है वो आउट ऑफ द सोशल सिस्टम के काम करता है, आउट ऑफ द सोशल सिस्टम काम करता है। यही बोला गया है कि किसी व्यक्ति के अभिनिषद किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था के बाहर, सामाजिक व्यवस्था के बाहर, सोशल सिस्टम से बाहर की बात कर रहे हैं। और अभी वहां पर भी हमने क्या पढ़ा था, कॉस्मोपोलाइटनेस, कॉस्मोपोलाइट पढ़ा था, पर्सनल कॉस्मोपोलाइट पढ़ा था। यहां पर सिर्फ कॉस्मोपोलाइट है, मतलब सोशल सिस्टम के बाहर की बात हो रही है, वही सेम आंसर आएगा कॉस्मोपोलाइट यहां पर भी, ठीक है। वो हमने अच्छे से पढ़ा तो ये वाला आंसर आपसे बनना चाहिए था, ठीक है। चलिए, स्पीकिंग एंड राइटिंग इन्वॉल्व विच कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा क्वेश्चन है ना, कंफ्यूज करता है कि बोलने और सीखने में कौन सा संचार कौशल शामिल नहीं है, कौन सा संचार शामिल है। देखो अब मैं यहां पे थोड़ा सा समझता हूं, ये अपना सेंडर है, ये डिकोड है, ये मैसेज है, ये चैनल है, ये इनकोडिंग है, और ये रिसीवर है। ये हमारे क्या है, ये बर्लो के अकॉर्डिंग जो है वो एलिमेंट्स है। अब यहां पर ये बोला है कि बोलने और सीखने में कौन से संचार कौशल शामिल है। अब बोलने में क्या होगा, बोलने में डिकोड होगा या इनकोड होगा, ये मुझे बताइए आप। आप बोलोगे और लिखोगे तो कोई चीज डिकोड होगी या इनकोड होगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, समझा रहा हूं, मतलब मैं यहां पर इन चीज को इनकोड कर रहा हूं, मतलब मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मतलब वो चीज मैं इनकोड कर रहा हूं, उस चीज को खोल रहा हूं, अंदर से खोद के आपको पढ़ा रहा हूं। तो बोलने और लिखने का जो संचार है वो क्या होगा, इनकोड होगा, क्या होगा, इनकोडिंग होगी, क्या होगी, इनकोडिंग होगी, डिकोड नहीं हो सकता। डिकोड मतलब होता है उसको गुप्त रखना, उसको छुपा के रखना, कोई और ना देखे। बात करते हैं बंगाल गजट वाज पब्लिश्ड फॉर्म, बंगाल गजट कहां से पब्लिश हुआ था बच्चा, आपको पता है जितना भी स्टार्टिंग में जितने भी जो हमारे पब्लिकेशन थे या जो पेपर थे वो कहां से पब्लिक हुए थे, मोस्टली कलकत्ता से हुए थे, ठीक है। मैं आपके साथ एक एक पीडीएफ और शेयर करूंगा, पीडीएफ एक और शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको सारे जर्नल, ठीक है, जो जर्नल्स हैं जितने भी, क्या है, जितने भी जर्नल्स हैं सारे आपको मिल जाएंगे, कौन कहां से निकलता है, ठीक है, वो आपको काम आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है, बंगाल गजट वाज पब्लिश फ्रॉम, कहाँ से पब्लिश होता है, तो कलकत्ता से पब्लिश होता है बंगाल गजट। तो जनरल सारे हैं, आईसीआर वाले जितने भी एक्सटेंशन वाले सारे जनरल आपको एक जगह मिल जाएंगे, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सारे प्रोग्राम की भी एक लिस्ट में भेजूंगा आपको, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम है प्रोग्राम की भी आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, सारा इन लिस्ट रहेगा, कौन सा प्रोग्राम कब चला था कहाँ से चला था, ये इतना पूरी उस लिस्ट में रहेगा। ये जो चीज़ है मेरे को एक बार मैसेज में याद दिलाना ना कि सर ये दो चीज़ भेजना है आपको, ये भेज दूंगा और सोशियोलॉजी के नोट्स भेज दूंगा, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने वन लाइनर आपको भेजी है, वन लाइनर नहीं भेजी एक्सटेंशन की, वन लाइनर भी भेजूंगा, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे। सोसाइटी कैन बी कंसिडर है, समाज को माना जा सकता है। क्या समाज क्या होता है, ठोस होता है, सैद्धांतिक होता है, काल्पनिक होता है, क्या होता है। देखो यह तो आप काट दोगे, काल्पनिक भी नहीं होता, ठोस भी नहीं होता। अब बात आती है भावात्मक और सिद्धांतिक। सोसाइटी जो है ना वो कभी भी थ्योरेटिकल नहीं होती, है ना, थ्योरेटिकल होती है क्या, उसमें आप थ्योरेटिकल मतलब समझ रहे हो, थ्योरेटिकल मतलब कि कुछ रूल्स, मतलब रूल्स रेगुलेशन तो होते हैं, थ्योरेटिकल मतलब होता है जैसे हम पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सोसाइटी हमेशा क्या होती है, भावात्मक होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, भावनाओं से जुड़ी हुई रहती है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, और ये भी आपको सोशियोलॉजी में जो मैंने सोसाइटी वाली डेफिनेशन पढ़ाई थी ना उसमें बीच में मेंशन था कि सोसाइटी इज ए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब सोसाइटी जो है भावनात्मक, जो है एज ए भावनात्मक उसको कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर भाव होते हैं, आपस में फैमिलीज जो एक्टिविटीज जो करती हैं, साथ में मिलकर रहते हैं, साथ में सारी मिलकर एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ तो ना तो वो ठोस होते हैं, ना ही थ्योरेटिकल होते हैं, ना ही काल्पनिक होते हैं, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मतलब भावनात्मक होती है सोसाइटी, ठीक है। तो देखो
ये जो आरएचयू वाला पेपर था ना, इसमें सोशियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने एनालिसिस करवाया था कि मैं सोशियोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, कुछ चीजें समझा भी रहा हूँ, और सोशियोलॉजी के आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। अब द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कॉन्सियसली चूजिंग कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वे अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड इंटीग्रेटिंग देम फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द डिजायरेबल गोल इज नोन एज, उपलब्ध विकल्पों में से सचेत रूप से कार्यवाही तरीकों को चुनने के लिए। अब मान लो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, है ना, मान लो एक विकल्प ए है, बी है, सी है, डी है। अब यही है, ये चार विकल्प हैं, ये चार विकल्प में से आपको चुनना है। बात वही है ना, ये क्वेश्चन ही ले लो कि चार में से आपको एक चुनना है, आप क्या चुनोगे, क्या क्या करोगे? तरीके से चुनने और वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि आपका उद्देश्य क्या है कि भाई हमें नौकरी लेना है, तो इस क्वेश्चन में से हमें सही आंसर चूज करना पड़ेगा। हमें भाई क्वेश्चन सही करेंगे तभी नंबर आएंगे, तभी हमें जॉब मिलेगी। तो भाई आपके इतने सारे विकल्प हैं, उसमें से आपको एक को चुनना है ताकि आपकी जो इच्छा अनुसार जो आपका लक्ष्य है, प्राप्त करने का उद्देश्य आपका जो है वो पूरा हो सके। तो क्या करोगे, क्या किसी चीज को एडॉप्ट करोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे, मॉनिटरिंग करोगे या इवोल्यूशन करोगे? यहां आपको करना है डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि मुझे ये वाला ऑप्शन चूज करना है और ये करेक्ट है, और इसी से क्या होगी, इसी से आगे जो है मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। अपने माइंड मेकअप करना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा। अब ये भी कोई अलग कोई सब्जेक्टिव पार्ट नहीं है कि ये कोर्स में नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जस्ट कॉमन सेंस वाली बात है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाले हैं कि भैया आपको इतने सारे विकल्प हैं, किसी एक को चुनना है, और वो आप जो भी डिसीजन लोगे उससे आपका क्या होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। मतलब क्या है, आपको डिसीजन लेना है, सीधी सी बात है, डिसीजन लेना है, सीधी सी बात है। यहां क्या करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग। चलिए, एजुकेशन कॉज, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एजुकेशन क्या करता है, पहले ही पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कासा। एजुकेशन से क्या होता है, बिहेवियर में चेंज आता है, नॉलेज में, एटीट्यूड में, स्किल में और एक्शन में चेंजेस आता है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ था। देखो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग वहीं से, सिर्फ सोशियोलॉजी को छोड़कर, क्योंकि सोशियोलॉजी पढ़ाया नहीं था। अगर पढ़ा देता तो आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 60-70 में करवाऊंगा, सारे मेरे नोट्स के अंदर और मेरे लेक्चर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी में अब पढ़ा रहा हूँ आपको साथ ही साथ लेक्चर में, और आपको नोट्स भी दे दूंगा, इसके बाद कोई क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस नहीं बनते, ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखो, उनको एनालाइज करो कि चीजें कहाँ से आ रही है, आउट ऑफ द सिलेबस भी आ रही है तो कहाँ से आ रही है। फिर यहाँ लिखा है द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेशन होता है वो कैसा होता है, ये भी पहले लेक्चर में बताया था, वॉलंटरी होता है, आप जबरदस्ती नहीं बिठा सकते लोगों को, है ना। जब प्रोग्राम उनके नीड बेस होगा, उनके इंटरेस्ट बेस होगा, तो वो अपनी इच्छा अनुसार आ जाएंगे, आप उसको जबरदस्ती बिठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। आपको इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि एक्सटेंशन फॉर्मल है कि नॉन फॉर्मल है, तो ये नॉन फॉर्मल है बच्चा, अभी बता दूं, एक्सटेंशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, एक्सटेंशन जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ कोई सिलेबस या कोई अटेंडेंस नहीं होती, वॉलेंटरी होता है, इच्छा अनुसार आप लोग आके बेच सकते हैं। इनफॉर्मल में क्या आता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आती है, जब से हम पैदा होते हैं से लेकर मृत्यु तक जो भी हम सीखते हैं वो इनफॉर्मल में आता है। यहाँ पर क्या होता है, नीड बेस्ड स्टडी होती है, जैसी हमें जरूरत है उस हिसाब से हम चीजों को सीखते हैं। जैसे मान लो डांस सीखना, आपको तो आपकी नीड है डांस सीखना, तो आप डांस बेस्ड चीजों को जाओगे, आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे तो वो डांस मतलब नीड बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉन फॉर्मल मतलब नीड बेस है, यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगी, है ना, कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड है पर स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन फॉर्मल होगा, याद रखना। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज है, अब एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, क्या है, पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, क्या है ये, एक एजुकेशनल प्रोसेस है, कोई इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, कोई यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है। अगर एक्सटेंशन प्रोग्राम की प्लानिंग करना है तो वो किसके अंदर आती है, एजुकेशन प्रोसेस के अंदर आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट सीरीज ऑफ लेक्चर इन्वॉल्व, मैंने बताया था आपको, पढ़ा भी चुका हूं कि स्पीकर आपसे पूछा जाए, 2 से 5 स्पीकर किसके अंदर होते हैं, सिंपोजियम के अंदर, है ना, ये आपको थ्योरी में दिखा चुका हूं, 2 से 5 स्पीकर किसमें होते हैं, सिंपोजियम के अंदर, ठीक है। किसके अंदर आता है ये, ग्रुप मेथड के अंदर, किसके अंदर आता है, ग्रुप मेथड के अंदर ये आता है, क्लियर है। चलिए फिर बात करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क, अब विस्तार कार्य की मूलभूत इकाई क्या है, विस्तार कार्य की मूलभूत इकाई क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क। तो बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क की बात करें हम लोग तो वो क्या है, ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क की बात करें बच्चा तो वो क्या है, वो भी फैमिली है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क यहां पर भी क्या आएगा, फैमिली आएगा। फॉर रनर ऑफ
सीडी प्रोग्राम, मतलब सीडी का यहाँ बात क्या कर रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात कर रहा है। तो इसका फोर रनर कौन है, मतलब किसके सक्सेस होने के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था, तो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है बच्चा, ये आया था 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद, जब ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है, जब ये सक्सेसफुल रहा तो इसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में चलाया गया था, याद रखना 1952 में चलाया गया था, ठीक है। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है इसी में जो है विलेज लेवल वर्कर जो थे वो यहाँ का आउटकम्स था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट का मेन आउटकम्स क्या था, जो है विलेज लेवल वर्कर जो है इसका मेन आउटकम्स था, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ पर है वो, कुछ चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, क्वेश्चन इसी के आसपास बनेगा, आपको कहीं कुछ अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे से पढ़ाया है मैंने कोर्स के अंदर भी, यहाँ पे और देख लो 1952 में ये शुरू हुआ था, इसको प्रोग्राम बोलो, प्रोजेक्ट बोलो, मेथड बोलो, प्रोसेस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मेजर रोल प्ले टू ग्रो मोर फूड कैंपन, कम याद रखना कि ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको बनाने में मेन रोल किसने प्ले किया था, ग्रो मोर फूड कैंपेन, एक क्वेश्चन तो यहां से आपका बनता है, ठीक। दूसरा है कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1952, 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट किए गए थे, किसके एग्रीमेंट था, 3 साल का एग्रीमेंट था यूएसए और इंडिया का, ठीक है, 3 साल का एग्रीमेंट था इंडिया का और अमेरिका का, 3 साल का एग्रीमेंट था, उसमें 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए थे और मेन प्लेयर रोल किसने प्ले किया था, ग्रो मोर फूड कैंपेन ने, जो 1947-48 में फिर से शुरू किया गया था। ईच प्रोजेक्ट कंसिस्टेड 300 विलेज, मेरे को किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर एक ब्लॉक में 300 विलेज थे, मैसेज किया था, तो मुझे लगा शायद मैंने गलत पढ़ाया होगा, एक प्रोजेक्ट के अंदर 300 गांव थे, 400 से 500 स्क्वायर मील एरिया था और लगभग 2 लाख लोग थे, किसके अंदर, ईच प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 300 विलेज, एक प्रोजेक्ट में 300 गांव थे, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दिया 3 डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखो ईच डेवलपमेंट ब्लॉक में कितने 100 विलेज है, मेरे को बच्चा ने मैसेज किया था शायद कि सर एक ब्लॉक में 300 होते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने गलत नहीं पढ़ाया, सही पढ़ाया, ईच ब्लॉक में 100 ही होते हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर 300 होते हैं। अब यहां से तीन, अब सीधी सी बात है, 3 डेवलपमेंट ब्लॉक में डिवाइड किया, ईच एक प्रोजेक्ट में 300 विलेज है तो 3 डेवलपमेंट ब्लॉक है तो एक में 100 जाएंगे, यहां भी 3 का भाग दोगे लगभग 60-70 आएंगे, और आपका जो एरिया है पीपल है 2 लाख, उसमें भी 3 से भाग दोगे लगभग 150 स्क्वायर मील ले लिया, एरिया लगभग 150 के आसपास आ जाएगा और पीपल कितने आ जाएगा, 3 का भाग दोगे इसमें तो 60-70 हजार लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज मैंने सही पढ़ाई, कुछ भी उसमें गलत नहीं था, ठीक। फिर इन्होंने बोला कि इस डेवलपमेंट ब्लॉक को डिवाइड कर दो आप 5 से 10 गांव में, ठीक है, और उसमें क्या कर काम कौन करेगा, मल्टी लेवल जो है मल्टीपर्पज विलेज लेवल जो है काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, विलेज लेवल वर्कर है, डब्ल्यू नी एम है, विलेज लेवल वर्कर है ये, सुधार लेना, विलेज लेवल वर्कर काम करेंगे, 5 से 10 जो विलेज होंगे उसमें कौन काम करेगा, विलेज लेवल वर्कर। तो ईच ब्लॉक में देर आर कितने होंगे, 15 विलेज लेवल वर्कर होंगे, एक जो ब्लॉक बनाया था आपने उसमें, जिसको आप क्या बोला बोलने जाने लगा है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाने लगा है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, ठीक है। बेसिक आइडिया जो है कॉन्सेप्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी यहां पर बनता है, क्लियर है, चलिए ठीक। बाकी सारे प्रोग्राम, ये सारे जो है प्रोग्राम, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चा आपको, है ना, ये सारा यहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मार्टिन बम, सेवाग्राम, गुड़गांव प्रोजेक्ट, कौन किसका फॉर रनर, एक लिस्ट दूंगा उसमें सारा मिल जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड ट्रेडिशनलिस्ट, दे मोस्टली डोंट फॉलो न्यू आइडिया, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, परंपरावादी लोगों को, जो बिल्कुल नए आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं करते, है ना, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो अपना परंपरागत तरीके से जो करते आ रहे वही करेंगे, उसको नए से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, लेगार्ड्स बोलते हैं, और ये कितने परसेंट होते हैं, लगभग 16% होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है। चलिए देख लेते हैं इसको, ये किसमें आते हैं, एडॉप्शन प्रोसेस में, एडॉप्शन क्या होता है, ये एक मेंटल प्रोसेस है, याद रखना एडॉप्शन क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस है, इसमें एलिमेंट क्या होते हैं एडॉप्शन के, इनोवेशन, डिफ्यूजन, मोटिवेशन और एडॉप्शन, ये एडॉप्शन प्रोसेस के एलिमेंट है, याद रखना एडॉप्शन प्रोसेस के एलिमेंट है। फिर डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बिटवीन द पर्सन, पर्सन के बीच में, या डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बिटवीन द पर्सन, पर्सन के बिटवीन में जो प्रोसेस है वो क्या है, डिफ्यूजन है, ठीक। फिर स्टेज ऑफ एडॉप्शन, अवेयरनेस, एडॉप्शन की स्टेज क्या है, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि एडॉप्शन निम्न में से कौन सा जो है एलिमेंट है, तो इनोवेशन आप बोल सकते हो है IDMA, इडमा याद रख लो ये क्या है, इडमा, इडमा जो है एलिमेंट है एडॉप्शन के, और स्टेज की बात करो तो ये क्या है, IAIETA,
ठीक है, ईटा ईटा याद रख लो, ईटा ईटा, अवेयरनेस इंटरेस्ट इवोल्यूशन ड्राइव और एडॉप्शन। पहले अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी तो फिर इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार करना चाहिए। पहले वो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा कि भाई इसको करने से क्या क्या चीजें हो सकती है क्या नहीं हो सकती, फिर उसको ट्राई करेगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो एडोप्ट कर लेगा। ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं कैटेगरी ऑफ एडोप्टर्स की। इनोवेटर 2.5% लोग इनोवेटर्स के अंदर आते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी को तुरंत आते ही अडोप्ट कर लेते हैं। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई वो तुरंत अडोप्ट कर लेंगे, भाई अपन ही कर लो सबसे पहले। अर्ली अडोप्टर्स होते हैं, है ना, अर्ली अडोप्टर्स होते हैं। अर्ली अडोप्टर्स क्या होते हैं, ये लोकल लीडर्स जो है ना, सच पीपल एडोप्ट थ्रू द लोकल लीडर्स या कॉन्स्टिट्यूट ओनली 13.5% लोग जो होते हैं वो अर्ली अडोप्टर में आते हैं। ये लोकल लीडर्स को देख कर क्या करते हैं, अडोप्ट करते हैं। अर्ली मेजोरिटी में कितने आते हैं, अर्ली मेजोरिटी में 34% लोग आते हैं। ये जस्ट बिफोर द कॉमन पीपल, जैसे ही आम लोग इसको एडोप्ट करना शुरू कर देते हैं अर्ली मेजोरिटी वाले लोग आ जाते हैं। लेट मेजोरिटी क्या आते हैं, पहले ये देखते हैं, आफ्टर सीइंग देयर रिलेटिव्स एंड नेबर, अपने घर परिवार आसपास के लोगों को देखते हैं उसके बाद एडोप्ट करते हैं, ये भी 34% है। और लेगार्स, इनको कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो ये एडोप्ट करेंगे ही नहीं। ठीक, ये आपका आ गया, यहाँ पर लेगार्स आ जाएगा। लेट मेजोरिटी 34, अर्ली एडोप्टर 13.5, इनोवेटर आ जाएगा 2.5%। क्लियर है। एटिक क्या होता है, हैज बीन इनिशिएटेड विथ, एटिक की शुरुआत की गई थी, एटिक की शुरुआत किस चीज के लिए की गई थी, तो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन के लिए की गई थी। याद रखना, प्रौद्योगिकी प्रसार की एकल घेर की अवधारणा है। एटिक क्या है, एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम है। क्या है एटिक, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, अगर एमपी की बात करो तो एमपी में आपको मिल जाएगा, एक तो जबलपुर में, ये एक आपको मिल जाएगा एटिक सेंटर जबलपुर में, दूसरा आपको मिलेगा भोपाल में। ठीक है, भोपाल में कहाँ पर, जो अपना सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ना, सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, अभियांत्रिकी वाला जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और एक छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एटिक सेंटर। तो एटिक सेंटर जो है वो 1999 में शुरू किया गया था नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के द्वारा। ये कब आया था, ये 1998 में आया था, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, इन द डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर जो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है जो 1998 में आया है, उसके बाद 1999 में इसी के अंदर में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर एटिक को लाया गया। ये क्या है, एक सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम लिंकिंग द वेरियस यूनिट ऑफ रिसर्चर इंस्टीट्यूट विथ मीडिएटर यूजर्स एंड एंड यूजर्स। तो फार्मर तक चीजें ऐसे नहीं पहुंचती है, फार्मर तक कैसे पहुंचती है, जो रिसर्च है, रिसर्च के बाद कुछ इंटरमीडिएट यूजर है, जैसे रिसर्च से केवीके, केवीके से फार्मर। तो एटिक क्या काम करता है, एक लिंक का काम करता है, एक विंडो का काम करता है, सिंगल विंडो लिंक का काम करता है, किसके बीच में, रिसर्च वाले, रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंटरमीडिएट यूजर, मतलब आपको केवीके ले सकते हो, या उसके बाद फार्मर, एंड यूजर कौन होगा, फार्मर, इनके बीच में लिंक का काम करता है थ्रू सिंगल विंडो सिस्टम। तो इसी को बोलते हैं हम एटिक। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, कब बनाए, कहां कार, एमपी में जबलपुर में है और भोपाल में जहां पर अपना इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है। ठीक है, साइबर एक्सटेंशन मींस क्या हो गया। अब देखो, साइबर मतलब कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं साइबर क्राइम, क्या पढ़ते हैं, साइबर क्राइम, मतलब क्या है, साइबर क्राइम का मतलब होता है क्राइम बाय द कंप्यूटर, है ना, क्राइम बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको हम साइबर क्राइम बोल देते हैं। साइबर क्राइम का मतलब ही क्या है कि कंप्यूटर से, इंटरनेट के थ्रू अगर कोई हमारे साथ क्राइम कर रहा है तो उसको हम साइबर क्राइम बोल देते हैं। यहाँ पर साइबर एक्सटेंशन बोला गया है, साइबर एक्सटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन थ्रू द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के द्वारा प्रसार का काम करना, विस्तार का काम करना। देखो, ग्रुप ऑफ थ्रू नहीं आएगा, एक्सटेंशन एनजीओ के थ्रू नहीं आएगा, एक्सटेंशन थ्रू द टेलीविजन एंड अदर मास मीडिया नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, साइबर एक्सटेंशन, और साइबर का मतलब आप समझ सकते हो साइबर क्राइम हो गया, कुछ भी चीज है, साइबर मतलब कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के द्वारा एक्सटेंशन करना क्या है, वो आपका साइबर कंप्यूटर या साइबर कंप्यूटर या साइबर एक्सटेंशन कहलाएगा। ये देखो, मैंने साइबर एक्सटेंशन भी आपके लिए लेके आया हूँ। जनरली जो आयोजक पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ना, वो आप कह सकते हो कि जीआरएफ लेवल के थे, जो जीआरएफ के सिलेबस में आते हैं, साइबर एक्सटेंशन, सोशियोलॉजी वगैरह सब। तो आजकल वो भी पूछा जाने लगा, साइबर एक्सटेंशन क्या होता है, सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साइबर का मतलब क्या है, साइबर स्पेस क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ये सारा मैंने मेंशन किया हुआ बच्चा, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, साइबर एक्सटेंशन, ठीक, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फीचर्स क्या है साइबर, इसके इंफॉर्मेशन अवेलेबल बोल सकते हो आप, क्या है, साइमल्टेनियसली 365 आप बोल सकते हो, 24 घंटे और 365 दिन साल भर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, सक्सेसफुल एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन विलेज सोप, इंफॉर्मेटिक विलेज पायलट, ये कुछ एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। वरना वायर्ड विलेज प्रोजेक्ट, ये आपको पढ़ना है। हनी बी नॉलेज नेटवर्क, ये आपको देखना है कौन कौन से
ई सागो प्रोजेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको ई चौपाल पढ़ना है, ई चौपाल भी आएगा नीचे, फार्मर्स कोऑपरेटिव सिस्टम्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स है, ये आप देख सकते हो, ये सारा ई चौपाल्स, आईटीसी आप पढ़ सकते हो, है ना, इंडियन टोबैको कंपनी नाम था इसका आईटीसी का, ये आपको पढ़ना है, ये सारा साइबर एक्सटेंशन के अंदर, साइबर एक्सटेंशन के अंदर आता है। तो इसको ओवरव्यू देख लेना, मैं सारे नोट्स आपको यहाँ पर डाल दूंगा, ये सारा, तो इसका ओवरव्यू ले लेना, क्या क्या है ये ई चौपाल, क्या होता है, कब चालू हुआ था, कब क्या होता है, सारा आपको देखना है, ठीक है। चलिए, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। द बेस्ट मेथड ऑफ कन्वीनियंस पीपल, पीपल को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वीडियो दिखा दो उसको, क्लासरूम टीचिंग मतलब बैठ के पढ़ा दो, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन मतलब बैठ 10-12 लोग को बिठा के डिस्कशन कर लो, या फिर डेमोस्ट्रेशन, क्या होगा आपके हिसाब से बेस्ट मेथड क्या है लोगों को समझाने की, ये भी आरएचओ में आया था क्वेश्चन, क्या है समझाने की, वो है डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शनी, प्रदर्शन आप बोल सकते हो, डेमोस्ट्रेशन सबसे बेस्ट मेथड है, क्यों, व्यक्ति जब तक कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, जब अपने आंखों से देख नहीं लेता चीजों को होते हुए, वीडियो दिखा दोगे तो भैया हो रहा है, प्रैक्टिकली थोड़ी ना हो रहा है, क्लासरूम डिस्कशन में, क्लासरूम टीचिंग में, पढ़ाने में क्या, प्रैक्टिकली चीजें दिख रही है, हाँ भाई इसने किया हुआ है और उसको रिजल्ट मिला है, तो डेमोस्ट्रेशन ये सबसे अच्छा तरीका होता है समझाने का, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अब देखो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है बताना है आपको, ठीक है। अब देखो मास क्या है, इंडिविजुअल, ग्रुप और मास, दो मास दिए हैं, देखो इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा आपका, फार्म विजिट, ठीक है, मिला रहा हूं मैं जोड़ी, ग्रुप में क्या आ जाएगा आपका, मास में क्या आ जाएगा, मास में आपका आ जाएगा न्यूज़पेपर, ठीक है, आपका ये मास में क्या, निम्न का क्या लिखा है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है यार, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बच्चा एग्जाम में, कौन सा सुमेलित नहीं है, मास आपका है एग्जीबिशन सही है, इंडिविजुअल आपका फार्म विजिट सही है, मास आपका न्यूज़पेपर सही है, ग्रुप का गलत है, ग्रुप का मेला नहीं होगा, ये भी मास का ही है, फेयर जो है वो भी किसका है, मास का ही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सारा बता चुका है, एक्सटेंशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू विलेजर्स बाय स्पेशलिस्ट ऑफ द सेम एरिया इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोला, एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीणों तक वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार किस सिद्धांत के रूप में किया जाता है। देखो विलेज लेवल वर्कर काम नहीं करेगा यहाँ पर, रोड जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी नहीं करेगा, और फार्मर्स तो कैसे काम, फार्मर्स को तो इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं है, तो जब भी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि जब भी हमें किसी गांव में कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम रखना है वहां की प्रॉब्लम्स को लेके, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लोकल लीडर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, लोकल लीडर्स को, क्योंकि जो लोकल लीडर्स होते हैं लोग उनकी बात मानते हैं, तो लोकल लीडर्स जो है पब्लिक को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और फिर हम वहां पर एक्सटेंशन प्रोग्राम चला सकते हैं। तो अगर एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीण तक वैज्ञानिक ज्ञान को अगर विस्तार करना है, तो आपको विलेज लोकल लीडर्स का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लोकल लीडर्स यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल एक ही है, ये एक ही प्रिंसिपल, जो 10 प्रिंसिपल है उसमें से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है बस लोकल लीडर, बाकी सब तो प्रिंसिपल है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सीधा सीधा आंसर जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ लीडर्स, लीडर्स को सिलेक्ट करने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है बच्चा, तो सबसे बेस्ट मेथड है सोशियोमेट्रिक मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड सबसे बेस्ट है। अब ये भी मैंने पढ़ाया नहीं है थ्योरी में, तो यहां मैं आपको बता देता हूं, है ना, और टाइम मिलेगा तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं आपको सारे नोट्स दे रहा हूं, आपको पढ़ना है, है ना, पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आए हुए बच्चा, ठीक है, आए हैं यहां पर, चीजों को हमें अच्छे से समझना है, छोड़ना नहीं चीजों को, मैं सारा आपको यहां पर चीजें यहां पर सारा आपको देने वाला हूं, ठीक है, क्या क्या लीडरशिप वगैरह सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ये आ गया आपका सोशियोमेट्रिक मेथड, समझ लो यहां पर क्या है, ठीक है, ये लीडरशिप, ये पूरा लीडरशिप का एक पूरा नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी सारी, लीडर क्या होता है, जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सके, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, जो प्रभाव डाल से लोगों को, उसको लीडर बोलेंगे। और लीडरशिप क्या हो जाएगा, वो एक्टिविटी, वो एफर्ट जो लोगों को प्रभावित करता हो, है ना, उसको हम लीडरशिप बोल देंगे, ठीक, ये साइंटिस्ट के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। टाइप ऑफ लीडर्स क्या होंगे, ऑपरेशनल लीडर्स होते हैं, पॉपुलरिटी लीडर्स होते हैं, प्रोफेशनल लीडर्स होते हैं, ये लीडर्स, टाइप ऑफ लीडर्स भी अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, टाइम मिलेगा बच्चा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है ऑपरेशनल लीडर, क्या होता है पॉपुलर लीडर, क्या होता है प्रोफेशनल लीडर, क्या होता है, आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है लीडर। ले लीडर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको टिक कर लेना, ये ले लीडर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। यूथ क्लब प्रेसिडेंट जो होता है वो ले लीडर्स होते हैं, ग्राम सहायक जो होता है ले लीडर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉलंटियर लीडर होता है, लोकल लीडर्स होते हैं, नेचुरल लीडर होते हैं, ये सारे ले लीडर्स होते हैं, ठीक। क्या है मतलब, ले लीडर्स में या मे नॉट बी हैव रिसीव्ड स्पेशल ट्रेनिंग, इनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ना ही इनको कोई पैसा मिलता है, ये पार्ट टाइम काम करते हैं, जैसे गांव में आपको ये मिलेंगे ले लीडर्स, ले लीडर मतलब कि कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है, बस बना दिया कि भाई ये लीडर है ना,
गांव के अंदर एक लीडर है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई उसको पैसा नहीं मिलता, जैसे यूथ क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया किसी को, किसी को ग्राम सहायक बना दिया, वॉलंटियर लीडर बना दिया, लोकल लीडर बना दिया, तो ये ले लीडर्स के अंदर आते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक, अब प्रोफेशनल में क्या हो गया, प्रोफेशनल लीडर है सीधी सी बात, उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होगी, फुल टाइम वर्क कर रहा होगा, उसको उसका पैसा भी मिल रहा होगा, जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर, वो क्या है, वो एक प्रोफेशनल ऑफिसर, उसको पैसा भी मिलता है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ग्राम सेवक हो गया आपका, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, ये आते हैं प्रोफेशनल के अंदर। चलो देख ही लो, है ना, टाइम लग रहा है तो लगने दो। पॉपुलरिटी लीडर्स क्या हो गया, मीन्स ए ग्रुप ऑफ पॉपुलर पर्सन, जो पॉपुलर पर्सन है ना, जो फेमस लोग हैं, इलेक्टेड टू ए पोजिशन ऑफ लीडरशिप बिकॉज द मेंबर लाइक हिम। अब देखो, जो पॉपुलर लोग हैं, जो लोगों के बीच में पसंद किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि लोग उनको लाइक करते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर तो अगर आपको किसी को चुनना है तो आप किसको चुनोगे, जिसको आप लाइक करते हो, जिसको पसंद करते हो, है ना। जैसे अभी आप पॉपुलर लीडर में मोदी जी है, ज्यादा लोग आपके पास ऑप्शन नहीं है तो किसको चुनेंगे, मोदी जी को चुनेंगे, है ना, और जो राहुल गांधी जी को पसंद करते हो, राहुल गांधी जी को चुनेंगे, है ना। तो पॉपुलरिटी लीडर में वही आ गया। अब सम पर्सन होल्डिंग इलेक्टिव पोजिशन डू वेरी लिटिल अबाउट द इनिशिएटिंग एक्शन फॉर द ग्रुप आर मोर फिगर फिगर हेड आर ऑर्नामेंटल लीडर्स दे आर कॉल्ड नॉमिनल लीडर्स। तो ये नॉमिनल लीडर्स क्या हो गए, जो लिटिल अबाउट इनिशिएट एक्शन, कुछ एक्शन हम बोल सकते हैं कि सम पर्सन होल्डिंग इलेक्टिव पोजिशन, होल्ड मतलब रुक के ऐसा कह सकते हैं कि ये फिगर आउट या फिगर हेड या ऑर्नामेंटल लीडर्स हैं, जिनको ही हम नॉमिनल लीडर्स बोलते हैं। तो पॉपुलर लीडर मतलब सीधा समझ लो आप, वो पर्सन जो लोगों के द्वारा, लोगों के बीच में फेमस है और बहुत जाना जाता है। ऑपरेशनल पर्सन हु एक्चुअली इनिशिएट एक्शन, जो क्या करता है, एक्शन को इनिशिएट करता है विद इन द ग्रुप, मतलब कि चार लोगों का ग्रुप है और मान लो कि क्या करना है, चार लोगों का ग्रुप है और क्या करना है, लड़ाई हो जाए, तो पहले कॉलर कौन पकड़ेगा, जो कॉलर पकड़ेगा वो ऑपरेशनल लीडर है ना। चार लोग खड़े हैं, चार लोग मिलकर एक को मारने गए हैं भाई, लड़ाई हो गई, मारने गए, तो जो पहले कॉलर पकड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल लीडर, मतलब जो पहले एक्शन शुरू करेगा, ठीक है। चलो, ये इस तरीके की लीडरशिप है। ऑटोक्रेटिक लीडर हो गया, ऑटोक्रेटिक लीडर आल्सो नोन एज़ इसको अथॉराइटेरियन लीडर्स भी बोलते हैं, अथॉराइज होता है, कैन नॉट ट्रस्ट पीपल और ही ऑपरेट एज इफ ही कैन नॉट ट्रस्ट पीपल, मतलब ये लोगों पर विश्वास नहीं करता। ऑटोक्रेटिक मतलब की होता है ये, थोड़ा सा बोल सकते हैं आप इसको तानाशाही टाइप का, ठीक है, ये लोगों पर विश्वास नहीं करता। ही थिंक्स हिज सबऑर्डिनेट नेवर डूइंग व्हाट दे शुड डू एंड दे द एम्प्लॉय इज पेड टू वर्क एंड देयरफॉर मस्ट वर्क। क्लियर है, यहां पर भी पैसे की बात की गई है, ठीक। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज, द ग्रुप ऑफ मेंबर क्या करते हैं, ही शेयर विद द ग्रुप मेंबर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये क्या करता है, लोगों के बीच में अपनी प्लानिंग को लोगों के साथ शेयर करता है। जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो जो कुछ, हालांकि हमारे साथ कोई सारी चीजें शेयर नहीं होती है, कोई नेता हमारे साथ सारी चीजें शेयर नहीं करता, लेकिन अगर ग्रुप है, कोई कंपनी है, तो वो जो भी आइडियाज होते हैं वो सारे लोगों के साथ शेयर किया जाता है, ताकि डिसीजन लेना आसान हो जाए और काम अच्छा हो, ठीक। ऑल मेंबर जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं और इनकरेज होते हैं, क्योंकि भाई सारी चीजें उनके साथ शेयर की जाती हैं। क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके साथ अच्छी खासी रहती है। फिर एज अ लेजेस्ट फियर लीडर, ये अकेले काम करते हैं, ठीक है, बिलीव डेट ही लिव वर्क अलोन, ये अकेला काम करना पसंद करते हैं, इतना समझ लो, ठीक है। रोल ऑफ लीडर्स ग्रुप का रोल क्या है इनका, ये आप देख लेना। सिलेक्शन कैसे करोगे, यहीं से क्वेश्चन आया था, ये है सोशियोमेट्रिक मेथड, ठीक है, गिवन बाय मोरिनो, ठीक है। सोशियोमेट्रिक मेथड जो है, सिलेक्शन कैसे करोगे, तो सोशियोमेट्रिक मेथड, ठीक। चॉइस इन इंटर पर्सनल रिलेशन सच एज द हु वन लाइक टू वर्क एंड प्ले आर टू हुम वन वुड गो फॉर एडवाइस ऑन फार्मिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो बच्चा ये जितने भी मेथड्स है ना, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है लीडर्स को सिलेक्ट करने की, क्यों, क्योंकि अगर कोई बंदा काम करना पसंद कर रहा है, काम को एक एज ए प्ले, एज ए खेल की तरह ले रहा है, तो वो उसको चूज करना या उसको सिलेक्ट करना इजी हो जाता है सोशियोमेट्रिक मेथड के थ्रू। कई सारी मेथड है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, कई सारी मेथड्स हैं यहाँ पर, आप देखोगे नीचे सोशियोग्राम आ जाएगा, कैसे इलेक्शन होता है, डिसीजन मेथड कैसे बनती है, वर्कआउट मेथड क्या होता है, ये सारा आ जाएगा, कैसे इसको सिलेक्ट किया जाता है इस मेथड के थ्रू। क्लियर है, तो सोशियोमेट्रिक मेथड मैंने ली है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अच्छे से पढ़ना, टाइम मिलेगा तो एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन आया है और बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दी है। ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का पारंपरिक माध्यम क्या है बच्चा, ये तो प्रोफेशनल है, मॉडर्न है, ये भी मॉडर्न है, ये भी मॉडर्न है, तो रामलीला हो गई भैया, रामलीला के थ्रू जो है ये ट्रेडिशनल मैटर है, पहले हर गांव में होती थी रामलीला,
है ना, जिसको हम हमारे गांव में तो इधर बोहे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोहे, आपकी इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे इधर बोहे बोलते हैं। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले कौन सा, ये तो 1948 मतलब आज़ादी के बाद लॉन्च किया हुआ है। कम्युनिटी डेवलपमेंट 1952, ये भी आज़ादी के बाद है। नेशनल एक्सचेंज सर्विस 1953, ये भी आज़ादी के बाद है। बचा कौन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये 1904 में किया गया था आज़ादी के पहले, ठीक है, निकोलसन ने। चलो, द फर्स्ट केवी के कृषि विज्ञान केंद्र वाज स्टैब्लिश, अब ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना बच्चा, ये मैं अपने तरफ से लेके आया हूँ, ठीक है, यहाँ तक थे आपके, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं अपनी तरफ से ऐड किए हैं। चलिए, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था बच्चा, पांडुचेरी में, केवीके के बारे में बता चुका हूँ। और इसका क्रेडिट किसको जाता है, चंद्रिका प्रसाद को, किसको जाता है, चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद को क्रेडिट। 100% फंड कौन देता है, 100% फंड कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% फंडिंग करती है। क्या करता है केवीके, ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ना, क्या प्रोवाइड करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग देने का काम करता है केवीके, ठीक। शायद मैं लेके आया हूँ केवीके वाला भी पार्ट। पता नहीं है ना, पर यही चीज़ें सारी केवीके में, डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट है तो केवीके वाला भी होगा। देखो ये इटावा पैलेस प्रोजेक्ट में रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये मल्टी पर्पज़ कॉन्सेप्ट जो आया था विलेज लेवल वर्कर का, ये इटावा पैलेस प्रोजेक्ट के थ्रू ही आया था, याद रखना, आउटकम था इटावा पैलेस प्रोजेक्ट का। फॉरनर प्रोग्राम है, कौन सा, इटावा प्रोटोकॉल था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो इसको अच्छे से पढ़ना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में आया था कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। इसका मेन क्या है, मेन काम है ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल लिटरेसी, इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो टेक्निकल लिटरेसी है, साक्षरता है, उसको ट्रांसफर करना ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। मेन एम क्या है इसका, इम्पार्ट ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग देता है ये, ठीक है, विलेज टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी नीड के बेस, नीड बेस्ड जो है ट्रेनिंग उनको दी जाती है। अब टोटल केवीके 100% फंड कौन देता है, गवर्नमेंट। टोटल केवीके कितने हैं, 732 अभी तक, ठीक है, ये डाटा 732 का कब तक का है, आज, आज कितनी तारीख है, 9 जुलाई, 9 जुलाई 2023, ये आज तक का डाटा है, 732 केवीके है, सबसे ज़्यादा किस में है, ये हटा देना, 2023 कर लेना, 2023 तक 732 सबसे ज़्यादा यूपी में है, कानपुर जोन में, ठीक है, कानपुर जोन में कितने हैं, 89 केवीके से, ठीक है। और इसका सक्सेसफुल का क्रेडिट किसको जाता है, चंद्रिका प्रसाद को। और कमेटी कौन सी थी, मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता कमेटी, याद रखना, ठीक है, बस इतना ही है इस केवीके के अंदर, सारा आपसे बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मेथड इज नॉट यूज्ड एज मास मीडिया, और इनमें से कौन सा संचार का साधन समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, जन समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता, रेडियो किया जाता है जन समुदाय के लिए, पर्सनल लेटर नहीं किया जाता, न्यूज़पेपर किया जाता है, सर्कुलेटर किया जाता है, ये सब क्या है, मास मीडिया के हैं। तो एक ही ऑप्शन क्या जा रहा है, व्यक्तिगत, ये किसमें आता है, इंडिविजुअल में, ये किसमें आता है, इंडिविजुअल मेथड के अंदर आता है, व्यक्तिगत में आता है, ठीक है, बाकी सारे मास है। रेडियो टॉक में लगभग शायद 140 वर्ड होना चाहिए एक मिनट में, पर मिनट, है ना, मैंने वो वन लाइनर आपको नोट्स दूंगा ना, उसके अंदर ये दिया है, ठीक है। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है और इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, याद रखना, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता इसमें, क्लियर है। प्लान होलीडे इन इंडियन प्लानिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं लेके आया आपके लिए, कि भारतीय योजनाओं में अंतर्गत योजना अवकाश काल माना जाता है, किस पीरियड को योजना अवकाश काल माना जाता है। देखो प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन कब आया था बच्चा, 1950 में, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कब आया था, 1951 में, ठीक है। तो ये 1966 और 1969 वाला जो पीरियड है, इसको बोला जाता है प्लान होलीडे, क्यों, क्योंकि ये मेजरली किसके लिए था, एग्रीकल्चर के लिए, मेजरली एग्रीकल्चर के लिए था ये, क्यों, क्योंकि इसी में आई थी हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, इसीलिए इस पीरियड को प्लान होलीडे बोला जाता है, क्योंकि यहां पर मेजरली फोकस किया गया था सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे। तो ये जो पीरियड था 66 से 69 वाला, इसको प्लान होलीडे बोला जाता है, ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए क्वेश्चन लेके आया, ठीक है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ये शायद कभी पढ़ने को नहीं मिला होगा, प्लान होलीडे मतलब जो जो फाइव ईयर प्लान थे हमारे प्लानिंग कमीशन ने जो चलाए थे, उसमें 66 से 69 वाला जहाँ था, जिसमें हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, उसको प्लान होलीडे बोला जाता है, ठीक है। चलिए, सिंस वेन द न्यू अमेंडमेंट पंचायत राज, मैंने बोला 73वां संविधान संशोधन, मैंने 74 बताया था, उसको सही कर लेना, है ना, 73वां था वो, है ना, मैंने 73 बताया था, 73 नहीं, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993, सही कर लेना बच्चा, पीछे जो 74 बताया था उसमें, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए सभी राज्यों में लागू हुआ था
24 अप्रैल 1993 को, क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। देखो ये भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है बच्चा, ध्यान से सुनना, मैं इसको पूरा करा भी दूंगा। इसका क्या है, वाई दे रीड, जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एबिलिटी टू रिटेन, कितना याद रख सकते हैं, ये है लर्नर्स और यह है एबिलिटी टू रिटेन, कितना याद रख सकते हैं। अगर जो पढ़ते हैं वो कितना याद रखेंगे, जो पढ़ते हैं क्या 70% याद रख सकते हैं, नहीं, यही मैच नहीं हो रहा, आपका आंसर तो यही हो गया। जो सुनते हैं वो 20% याद रखते हैं, जो देखते हैं वो 30% याद रख सकते हैं, जो सुनते और देखते दोनों हैं वो 50% याद रख सकते हैं, जो केवल पढ़ते हैं वो 70% याद नहीं रख सकते। आप पढ़ते हो कि आपको 70% याद हो जाता है, आपने पढ़ा और आपको 70% याद हो गया, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सुनोगे तो आपको 20% याद रहेगा 100 में से, अगर आप देखोगे तो आपको 30% याद रहेगा, लेकिन आप देखोगे और सुनोगे तो 50% याद होगा। जैसे मेरा लेक्चर अभी आप देख रहे हो ना, आप देख भी रहे हो लिखा हुआ, मेरे को सुन भी रहे हो, तो आपको 50% यही याद हो जाएगा। अच्छा तो सर 90% क्या, 100% कैसे होगा, समझो 100% का मतलब समझो यहाँ पे, कि हम 90% करना चाहें तो कैसे होगा, खुद को करके देखना पड़ेगा। मतलब क्या है सर, भैया खुद पढ़ो और पढ़ाओ, जब पढ़ाना शुरू कर दोगे तो आपका 90% हो जाएगा। देखो एक पहले उसको समझने से, चलो पहले वही समझ लो, आप वही वाला समझ लो कॉन्सेप्ट, ये आ जाए, ये किसने दिया था पहले तो ये समझ लो। इसको बोलते हैं कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं इसको, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं, है ना। ये दिया था एडगर डाल ने, ठीक है, किसने दिया था, एडगर डाल ने दिया था, बस इतना याद रखना, ठीक। ये कौन ऑफ एक्सपीरियंस, ये कौन है, ठीक है, कौन, शंकु है, इसलिए बोला था इसको कौन ऑफ एक्सपीरियंस बोला जाता है। क्या है ये, शंकु है एक प्रकार का, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, नहीं होगा ये छोटा, ठीक है, आपको दिखेगा, ये कौन ऑफ एक्सपीरियंस है ना, ये एक प्रकार का शंकु है, चलो आपको पूरा दिख रहा है। आपको इधर देखो, जो पढ़ते हैं, ये रीड लिखा है ना, 10% ऑफ वाट दे रीड, ठीक है, अगर पढ़ते हैं तो आपको 10% याद रहेगा। रीड टेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट को, टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक, 20% हियर, सुनोगे तो 20% याद रहेगा, लिसन टू लेक्चर, अगर आप लेक्चर को सुन रहे हो मेरे, सिर्फ सुन रहे हो तो 20% याद रहेगा। वॉच पिक्चर, अगर आप पिक्चर को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो तो 30% याद रहेगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, चलो ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो, या तो मूवी से, मूवी पिक्चर, मूविंग पिक्चर देख रहे हो, या फिर सिर्फ पिक्चर देख रहे हो, रुका हुआ पिक्चर या जीआई देख रहे हो, तो 30%। अगर आप क्या कर रहे हो, व्यू और वॉच डेमोन्स्ट्रेशन आप बोल सकते हो, आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो आपको 50% याद रहेगा। क्लियर है, ये सारा यहाँ पे अच्छे से आपको याद रखना है। डेमोन्स्ट्रेशन अप्लाइड पिक्चर यहाँ पे आ रहा है, डिफाइन जो डिस्क्राइब जो है एक्सप्लेनेशन है। फिर अगर 70% आपको करना है, 70% आपको क्या करना है, तो से एंड राइट, बोलो और लिखो, समझ में आया। अब आपको कैसे पढ़ना है इसको समझो, आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, आपको 50% याद होगा, अगर आपको इसको 70% करना है तो उसको वापस बोलो और लिखो, बोलो भी सही और लिखो भी सही, आप 70% पे पहुंच जाओगे। पार्टिसिपेट इन द वर्कशॉप, ठीक है, या बोल सकते हो आप रोल प्ले सिचुएशन। फिर अगर आपको 90% पे जाना है, व्हाट दे डू अवर द प्रैक्टिकल, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आप खुद करके देखो, ठीक है, परफॉर्म टास्क, व्हाट दे डू एज परफॉर्म टास्क, अगर खुद करके देखोगे यहां पर तो आपको 90% हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये किसने दिया है, एडगर डाल ने दिया था, इसको क्या बोलते हैं, कौन ऑफ एक्सपीरियंस बोला जाता है। ये क्वेश्चन मैंने यहां इसलिए मेंशन किया ताकि मैं इसकी पूरी थ्योरी आपको समझा सकूं, ठीक। चलिए थ्री टायर सिस्टम को बताइए, क्या होता है थ्री टायर सिस्टम, विलेज होगा, ब्लॉक होगा और डिस्ट्रिक्ट होगा, पहले ही ऑप्शन है, ठीक है, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। फॉर द स्टडी ऑफ फार्मिंग सिस्टम बेस्ट पीआरए एक्सरसाइज, अब अगर आप पीआरए कर रहे हो, पार्टिसिपेट रूरल अप्रेजल, क्या नाम है इसका, पीआरए का, पार्टिसिपेट रूरल अप्रेजल, ठीक है, ये चेंबर ने दिया था शायद, चेंबर साइंटिस्ट ने दिया था, फादर ऑफ पीआरए इसी को बोला जाता है, चेंबर को, है ना। तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड, वैसे तो ये सारी मेथड किसकी है, पार्टिसिपेटरी मेथड्स की है, बेस्ट पूछा गया है तो बेस्ट कौन सी बच्चा, ये वाली जो बेस्ट है, ट्रांसेक्ट वॉक बेस्ट मानी जाती है। होता क्या है ट्रांसेक्ट वॉक, मतलब होता है कि अगर आप गांव में जाते हो तो आप पूरे गांव में घूमकर चलकर देखोगे
क्या क्या चीजें हैं गांव में, क्या क्या चीजें नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्ट वॉक। ठीक, रिसोर्च मैपिंग करोगे, मतलब आप मैप बनाओगे बैठ के कि भाई कहां पर ट्यूबवेल है, कहां पर क्या है, स्कूल है, कहां पर क्या है। ये चपाटी डायग्राम पे जाओगे, चपाटी डायग्राम का मतलब है कि आप एक सेंटर में खड़े हो जाओगे, यहां से देखोगे कि यहां से 10 किलोमीटर स्कूल है, 2 किलोमीटर जो है पानी की टंकी है, 4 किलोमीटर पर स्टेशन है, 6 किलोमीटर पर ये है, ये चपाटी मेकिंग। और टाइम लाइन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाइम लाइन आप इसको समझ लो कि एक छोड़ देना इसको, यार क्या बताऊँ इसके बारे में, छोड़ देना इसको, ये तीन मेजर रिसोर्सेज हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांजेक्ट वॉक होगा, क्लियर है। चलिए, ए पोस्टर इज जनरली इज कैरेक्टराइज्ड, मैंने बोला पोस्टर में क्या होना चाहिए, अब आप आंसर दीजिए, मैं बता चुका हूँ पोस्टर में क्या होना चाहिए। सेम साइज वर्ड और फोटो, वर्ड और फोटो दोनों सेम साइज के होने चाहिए, नहीं, मतलब शब्द और चित्र का बराबर आकार होना चाहिए, नहीं। इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड फोटो, ये भी नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दिस, ये भी तो है, एक ऑप्शन दिख रहा, मिनिमम वर्ड्स एंड एट्रेक्टिव फोटो, कम से कम शब्द होने चाहिए और फोटो एट्रेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन किसका एग्जाम्पल है बच्चा, कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन का एग्जाम्पल है, इसको फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी बोला जाता है, किसको, डेमोन्स्ट्रेशन को, ठीक है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब मींस क्या होता है, शोइंग, दिखाना, क्लियर है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता है, शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन होता है, इसमें क्या करते हैं, ये फादर कौन है इसके, सीमन ए नेब, इसके फादर है मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के, मतलब क्या होता है कि हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं, फर्टिलाइजर कैसे डालते हैं फील्ड में, ये ओल्ड टाइप की मेथड आप बोल सकते हो, यहां पर किसी दो यूनिट को, दो मेथड को कंपेयर नहीं किया जाता है, ये ग्रुप के अंदर आती है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या है, कोई भी नई प्रैक्टिस आई है ना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको दिखाना, ये लॉन्ग टाइप की है, वही डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगा ना, फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन करके बताओगे फार्मर्स को, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे पूरी फसल का रिजल्ट आने में, और ट्रैक्टर कैसे चलाना हो तो तुरंत बता दोगे, लेकिन यहाँ आपको लॉन्ग टर्म ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि एक पूरी प्रोसेस को यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। ये इफेक्टिव एडॉप्टेशन होता है, ठीक, बहुत रिजल्ट दोनों दिखाना पड़ता है, पुरानी मेथड का, नई मेथड का, दोनों का रिजल्ट दिखाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम पुरानी मेथड से, नया का रिजल्ट अच्छा होगा तभी तो वो एडॉप्ट करेगा। नेशनल क्या होता है ये, इसको आप कंपोजिट भी बोल सकते हो दोनों का, क्यों, क्योंकि इसमें रिजल्ट और मेथड दोनों आता है, ठीक है। रिसर्च यहां रखना, कंडक्ट बाय द रिसर्चर ऑन द फार्म फील्ड, इसको रिसर्चर के द्वारा फार्मर के फील्ड पर ही किया जाएगा। फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन या फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी इसको बोला जाता है। 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था। प्रोग्राम वॉज गिवन बाई ICAR 1967, मतलब ICAR के अंडर में कब आ गया था, 1967 में, क्लियर है। चलो, रेडियो मास मीडियम इज कैरेक्टराइज बाय, रेडियो जो है क्या है, वन वे विथ इमीडिएट इफेक्ट, भाई तुरंत रिजल्ट मिल, तुरंत फीडबैक मिल जाता है रेडियो में। मान लो आप कि रेडियो में किसी जानकारी को आप दे रहे हो तो क्या तुरंत आपको, तुरंत उसमें आप वापस फीडबैक दे देते हो कि नहीं यार ये चीज नहीं होनी चाहिए या फिर ये चीज अच्छी नहीं है, नहीं। वन वे, एक वे होता है, एक तरफा होता है, विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रिस्पॉन्स, यही है, एक वे होता है लेकिन तुरंत ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है, तुरंत ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वन वे कलरफुल नहीं है, वन वे टाइमलेस ये भी नहीं है, तो वन वे होता है लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स तत्काल नहीं मिलता इसमें, ठीक है बच्चा। ये ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं इस पूरे सेशन में, है ना, काफी सारी थ्योरीज भी डिस्कस की है, और आपको मैं वन लाइनर, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वन लाइनर के जो इसके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नोट्स आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। प्लस आपको मैं क्या दूंगा, सोशियोलॉजी के नोट्स, है ना, जिसमें लीडरशिप वगैरह सब आ जाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ना, कुछ चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है खुद आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेना, चाहे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगा, क्लियर है। ये चीज़ आपको देनी है मुझे, और क्या देना है, एक प्रोग्राम की PDF, प्रोग्राम की PDF आपको देनी है, ये तीन चीज मुझे याद दिला देना, ये मैं आपको भेज दूंगा, क्लियर है। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करना, सर लेक्चर मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज बताना, किस किस लेवल के क्वेश्चन है सारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहां पर जो कुछ नोट्स आपको देने हैं वो भी बता रहा हूँ, वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू सारा दे दूंगा। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, रिविजन करने में भी मजा आ रहा होगा, है ना, कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिल रही होगी, क्वेश्चन को कैसे आंसर करना ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चा अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।